लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिनिस्टर का आने का वक्त हो गया, देखना कि ये लोग कोई गड़बड़ ना करे। ओके ओके कौशिक सर, जाके हॉस्पिटल के एमडी वरुण से मिलकर आता हूँ। यू स्टे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मिनिस्टर तो अभी तक नहीं आए हैं, पर हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सुनो सर, चाहे कोई भी हो आईडी चेक करके ही भेजना। यस सर। सर उधर भीड़ ज्यादा है सर। यस। ए व्हाट हैपेंड वाणी, कोई इमरजेंसी केस है क्या? सर डॉक्टर सलीम, व्हाट हैपेंड? डॉक्टर सीम्स कार्डियक फेलियर सीवियर। डॉक्टर, मिनिस्टर इज नो मोर। कांड में डॉक्टर आर्यन का हाथ हो सकता है, ऐसा पुलिस को शक है। पुलिस ने डॉक्टर आर्यन को अरेस्ट कर लिया, उनका संबंध किन किन लोगों से उसका पता लगा रही है। कुर्सी की भाग दौड़ शुरू हो गई है, चार लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, अब देखना है कि कौन मंत्री बनता है। मिस्टर जैकब जो कि उनके बेटे हैं, उनका नाम सबसे ऊपर है, लेकिन वो पार्टी के मेंबर नहीं है, तो क्या? पुलिस सूत्रों से पता चला है कि मंत्री चांडी मर्डर केस में ट्रैवल और मॉइस्ट ग्रुप का भी हाथ हो सकता है। और होम मिनिस्टर से मिलकर आ रहा हूँ। केंद्र सरकार से बहुत प्रेशर आ रहा है, हमने जो रिपोर्ट भेजी थी उससे केंद्र सरकार खुश नहीं है। बट सर अभी तो तहकीकात शुरू हुई है, वी जस्ट गेट देम आवर प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स। आई नो कौशिक, मैं समझ सकता हूँ, मगर ये एक पॉलिटिकल गेम है। केरला में अपना नाम बनाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं और दबाव हम पर है। शायद केंद्र से भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई आ सकता है। सर आई थिंक एट एनी कॉस्ट वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स। यस सो वी आर हियर। अगर आपको कोई रिपोर्ट देनी हो तो मुझसे या पब्लिक प्रोसिक्यूटर से संपर्क करके ही आगे बढ़ना, और खासकर मीडिया के लोगों से बच के रहना। अगर केंद्र सरकार के अफसर ये साबित कर देंगे कि हमारी रिपोर्ट गलत है तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए हर हाल में हम सबको सतर्क रहना होगा। ये क्या बोल रहे हैं? क्या केरला पुलिस की इमेज इतनी खराब हो गई है कि ये सब? प्रेजेंट सर। हाँ यस सर। सुना है कि चैनल वाले मीडिया वाले और खासकर केंद्र सरकार के अफसर हमसे जानकारी लेने की जरूर कोशिश करेंगे। वो सब मैं संभालूंगा सर। अगर तुमने इसी तरह उनके सामने भी कुछ बक दिया तो तुम्हें इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, तब घर में बैठ के बच्चे पालना, समझ गए तुम? सर मैं समझ गया। क्या समझे बताओ? घर बैठ के बच्चे पालने होंगे, पर अपने ही ना सर। इस पर नजर रखना।
स्वामी शरणम अयप्पा। कितना हुआ भाई? 300 रुपए। स्वामी शरणम, मैंने शबरीमले से नहीं बल्कि बस स्टैंड से ऑटो लिया है। ठीक है, इस शहर में ऑटो चलाना वहाँ से ज्यादा मुश्किल है। कितने सारे गड्ढे हैं, सबसे बचा के लाया हूँ। कुछ कम कीजिए ना स्वामी। मुझे माफ कीजिए स्वामी, पूरे पैसे देने होंगे, कम नहीं कर सकता। क्यों सुधाकर, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं सर, स्वामी मजाक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। वाह, आपको तो सभी जानते हैं। वैसे यहाँ का कमिश्नर कैसा है, बड़ा सख्त है क्या? वो तो जब आप मिलेंगे तब पता चलेगा। सही कहा। वैसे कमिश्नर है कौन? मैं क्या बताऊँ, यहाँ तक आए हो तो खुद ही पता। अच्छा, तो मैं सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा था, ऐसे लोग मिलते हैं। 300 रुपए के लिए इतनी क्यों? सर मुझे कमिश्नर साहब से मिलना है। अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं है, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, जरूरी काम है, उनसे मिलने दीजिए ना। ठीक है, वहाँ जाकर बैठो, ऐसा ऐसा आएंगे, उनसे पूछ कर जा रहा, जाओ बैठो। ठीक है, बैठ जाता हूँ। हेलो हेलो, आउट ऑफ स्टेशन जाना है? अच्छा, बाहर की सवारी के पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। अरे मैं कमिश्नर ऑफिस में हूँ, बाद में बात करता हूँ, फोन रखो। आप भी कमिश्नर साहब से मिले हैं? तो क्या, हम क्या यहाँ शाहरुख खान का सेल्फी लेने के लिए आए? कमिश्नर के ऑफिस में कोई क्यों आता है? सुगनन साहब, मेरा काम देखिए ना, वो क्या है, मुझे जल्दी जाना है। गाड़ी यहाँ छोड़कर चले जाओ। गाड़ी यहाँ छोड़कर जाऊंगा तो खाएंगे क्या? अरे मैं पहले से ही परेशान हूँ, और दिमाग मत खराब करो। गाजर जी सर, आज का ब्रेकफास्ट और लंच तो चला गया। सुना है दिल्ली से कोई आ रहा है, कमिश्नर साहब बहुत टेंशन में, सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। अब रास्ता चलो। ओके साहब, इनसे बात करो। इनको साहब, इंस्पेक्टर साहब, साहब प्रसाद लीजिए। स्वामी शरणम अयप्पा शर्ट, क्या चाहते हो? वो क्या है कि मैं कमिश्नर साहब से मिलना चाहता हूँ। मुश्किल है, 4 दिन बाद आना। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, कृपा करके उनसे मिलवा दीजिए। क्यों मिलना है कमिश्नर साहब से? नहीं बता सकता, कॉम्प्लिकेटेड है। ओ ऐसी बात है, तो 10 दिन बाद आना। साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए। अच्छा तो इसलिए तुमने मुझे प्रसाद दिया कि मैं तुम्हें कमिश्नर साहब से मिलवा दूँ? यहाँ सब कुछ मैं ही डिसाइड करता हूँ, किसको उनसे मिलने देना है, किसको नहीं देना। सर प्लीज सर, मिलवा दीजिए ना। स्वामी सुना है केंद्र से कोई आ रहा है मंत्री जी का केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यहाँ सब मुझे संभालना है कि कोई उनके सामने उल्टा सीधा ना भाग दे। तुमने सोचा ये देने से काम हो जाएगा? लो आप ही रख लीजिए। रख लूं? ठीक है। जरा यहाँ। सुनो, यहाँ पर ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना बेटा, वो सब कमिश्नर के बुलाने पे ही आए, और तुम बिना किसी अपॉइंटमेंट के ही अंदर घुसना चाहते हो। वैसे ये सब लोग है कौन है? अब और क्या क्या बताऊं, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, लेकिन ये ब्रोकर का काम भी करता हूँ। कभी सोचा नहीं था यहाँ आना पड़ेगा। मंत्री हत्याकांड में जिस डॉक्टर आर्यन को अरेस्ट किया है ना, उसे मैंने ही घर दिलवाया था। तुमने ही घर दिलाया था? हाँ, तभी तो पुलिस ने मुझे यहाँ बुलाया। अच्छा इधर आओ, इसे देखो जरा, ये उस आरोपी का फोन रिचार्ज करता था, और बगल में जो बैठा है वो लॉन्ड्री वाला है, उसके कपड़े प्रेस किया करता था, और वहाँ जो कोने में हीरो जैसा बैठा है ना, वो दुबई से यहाँ शादी करने आया था, अपने साले को फोन करना था लेकिन गलती से आरोपी को लगा दिया। मुझे नहीं लगता वो शादी करके बीवी को दुबई ले जा पाएगा। नाम क्या है? उसका नाम मैं क्या जानू? अरे मैंने आपका नाम पूछा। मेरा नाम? मेरा नाम रमेश है। रमेश भाई किस एरिया में गाड़ी चलाते हो? मैं तो रेलवे स्टेशन के आसपास चलाता हूँ। आपको कहीं जाना है क्या? मगर मुझे नहीं लगता ये लोग मुझे छोड़ेंगे। मुझे किराए पे एक घर चाहिए भाई। क्यों चाहिए? अरे रहने के लिए और किस लिए? तो आपको शबरीमले नहीं जाना? नहीं, मैं वहीं से तो आ रहा हूँ। तो वापस वहीं चले जाओ, मैंने ब्रोकरी का काम छोड़ दिया। प्लीज मेरे लिए कर दो ना। अरे भाई मेरा पीछा छोड़ो, कहा ना तुम वापस जाओ। अरे भाई ऐसा मत बोलो, मैं दिल्ली से शबरीमला जाके अयप्पा स्वामी के दर्शन करके आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तुम मेरी मदद जरूर करोगे, मेरे लिए घर जरूर ढूंढोगे। अब चलता हूँ। तुम दिल्ली से आए हो या कहीं से भी? मैंने ब्रोकरी का काम छोड़ दिया है। कौन है दिल्ली से? वो स्वामी जो मुझसे बात कर रहा था। स्वामी? वो क्या पूछ रहा था? वो पूछ रहा था कि कमिश्नर ने मुझे और इन सब लोगों को यहाँ पर किसके लिए बुलाया है, और इन सब बातों से उनका क्या लेना देना। अरे बाप रे, तो फिर ये वही है केंद्र। सर वो स्वामी कौन है? वो कोई साधारण आदमी नहीं है, मंत्री मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने केंद्र से आया है, भेष बदल के आया है। मेरी नौकरी तो गई। मेरी नौकरी जाएगी, तू क्यों रो रहा है? आपकी तो सिर्फ नौकरी जाएगी, मेरा तो पता नहीं क्या क्या जाएगा। अरे बाप रे केंद्र, आज तो जरूर मार खाऊंगा। अरे क्या हो गया भाई? अगर कोई भी यहाँ पर आकर मेरे बारे में पूछे तो उसे कुछ मत बताना। मुझे पकड़ेगा। तुम जाओ अंदर, चुप जाओ।
यहाँ कोई रमेश? वो स्टैंड में नहीं है। नहीं है तो फिर कौन से स्टैंड में मिलेगा वो? अरे ओ रमेश, अब तुम किस स्टैंड में हो? जहाँ पर तेरी मामी को दफनाया गया था ना, वहीं पर तुझे भी दफना के उसके ऊपर एक स्टैंड बना लूंगा, वहीं पर अपनी गाड़ी रखूंगा। आहा। रमेश तुम तो यहीं छुपे हुए हो, बारा तुमसे बात करनी है, आ जाओ। सर आप मुझे मारना मत, पहले ही पुलिस वालों ने एक हफ्ते का कोटा दे दिया। मत मारना सर। पर मैं तुम्हें क्यों मारूं? मैं जानता हूँ सर, आप मिनिस्टर के केस की तहकीकात करने के लिए केंद्र से आए हैं। किसने कहा? मुझे सब पता है सर, कमिश्नर ऑफिस के सुगनन सर ने बताया था। आप सीबीआई ऑफिसर है ना सर? केस बदल के यहाँ पे आए हैं। बड़े तेज हो, सब पता कर लिया। आ जाओ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम। आ जाओ सर, छोड़िए ना सर। चलो ना रमेश, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, कसम से सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। मेरे जैसा सच्चा इंसान आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ लेकिन फिर भी लोग मुझे झूठा समझते हैं। मुझे डॉक्टर आर्यन के बारे में सब कुछ जानना है। फिर से आर्यन? आप मुझे मरवाएंगे। तुम उन्हें अपनी गाड़ी में ले गए थे ना? हाँ। तो तुम मुझे भी अपनी गाड़ी में ले चलोगे? हाँ। और मुझे डॉक्टर आर्यन के बारे में जो कुछ भी जानते हो वो सब बताओगे, समझ गए रमेश? ओके। 4 महीने पहले की बात है, मैं डॉक्टर आर्यन से इसी रेलवे स्टेशन पर मिला था। ऑपोजिशन वाले मंत्री चांडी का इस्तीफा मांग रहे हैं। 1 मिनट, मुझे मुर्गा मिल गया। हेलो, टैक्सी चाहिए क्या? भाई साहब, बस स्टैंड जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता? बस स्टैंड? हाँ, मुझे इस एड्रेस पे जाना है। तुम कहाँ से आए हो? कोलकाता से, इस शहर में नया हूँ। ये बात है, तभी यहाँ का कुछ नहीं पता। क्या मतलब? अरे आज बस की स्ट्राइक है, एक भी बस नहीं जाएगी। ओह, अब मैं कैसे जाऊँ? आज तो टैक्सी भी मिलना मुश्किल है। एक काम करो, 1,000 दो तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। 1,000? मैंने बताया ना टैक्सी मिलना मुश्किल है, मैं तो 1,000 ही मांग रहा हूँ, दूसरे टैक्सी वाले 1,500 मांगेंगे। ठीक है भाई, चलिए फिर चलते हैं। सच बोलने पर भी लोग भरोसा नहीं करते, क्या जमाना आ गया। सर आप खुशकिस्मत है जो आपको मैं मिल गया, मेरे जैसा इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो रमेश, धोखे से कमाए पैसे कभी हजम नहीं होते हैं। तो ठीक है, मैं पानी पी के हजम कर लूंगा, हट मेरे रास्ते से। बड़ा आया समझाने वाला। सर बुरा मत मानना, आप पहले पैसे दे दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे धोखा दिया। वहाँ पहुँच के आपने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँगा? ठीक है, देता हूँ। अब चलेगी गाड़ी, चले सर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सर मेरी गाड़ी में कोई साउंड सिस्टम नहीं है ना, इसीलिए मैं खुद गाना गा के सुनाता हूँ। मैंने 7 साल संगीत सीखा है भाई। क्यों सर? गाड़ी जरा साइड में लगाइए। ठीक है, मेरा गाना पसंद नहीं आया? क्या बात है सर, तुमने मुझे धोखा दिया। बस तो चल रही है ना। अब मैं भी क्या करूं सर, सुबह 6 बजे से स्टैंड पर खाली बैठा था, कोई सवारी नहीं मिली। आप ही पहली सवारी हो, अब हमें भी तो जीना है ना सर। ये ट्यूमर के आने के बाद हमें सवारी ही नहीं मिलती। आपको कैंसर है? कैंसर? कैंसर किसको है? अभी अभी तो आपने कहा कि ट्यूमर। ओ सर, वो जो फोन करके टैक्सी बुलाते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उबर? हाँ वो जो कुछ भी है, जब से वो आया है हमें सवारी नहीं मिलती। तुम टैक्सी वाले लूटते जो हो सबको, वो तुम्हारी टैक्सी में क्यों आएंगे? उबर में ही जाएंगे ना। वो तो पहले की बात है, आजकल हम साधु बन गए हैं, बदल गए हम। हाँ, मैं सब समझता हूँ। ऐसा क्या, अब चले। गोलमाल गोलमाल गोलमाल। सर सर। हाँ? मैं रुकूं क्या? नहीं नहीं, जरूरत नहीं। क्यों? नहीं चाहिए। वापसी के आधे पैसे देंगे तो भी चलेगा, आपकी मदद करना चाहता हूँ। कौन चाहिए? फादर डोमिनिक से मिलना था मुझे। हाँ फादर मार्केट गए। कहाँ से आए हो? मैं बहुत दूर से आया हूँ। ओह, अभी आ जाएंगे, आश्रम के बच्चों के लिए सब्जी लेने गए, आते ही होंगे। हाँ। आइए अंदर बैठिए। हाँ। सुनो बेटा, आप उस टैक्सी में आए थे? हाँ। टैक्सी शहर के स्टैंड से ली? नहीं, रेलवे स्टेशन से ली थी। कितना लिया? 1,000। बाप रे, ठग लिया उसने। 600 या 700 होता है बस। अच्छा, शहर में नए आए हैं? हाँ। आप बहुत भोले, जीना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रहना है तो बदलना होगा। वो फादर आ गए। अरे कौन है ये? आपसे मिलने आया है। क्या काम है? हाँ कुरियोचन, बोलो क्या कहा? उसमें 1,000 कम है, ये कैसे हो सकता है? अरे मैंने तो पैसे छुपा के कवर में रख के पैथ्रोस को दिए थे। हाँ शायद उसने निकाल लिए होंगे। फादर आप ये क्या बोल रहे हैं? चुप रहो, मैं उससे बात कर रहा हूँ ना।
फादर आपने मुझे कब कवर दिया? अरे कभी भी तुझे नहीं दिया और दूंगा भी नहीं। मैं कुरियोचन की दुकान में तब जाता हूँ जब वो नहीं होता है। सब खरीदने के बाद मैंने पैसे वहाँ काम करने वाले लड़के को दिए थे। ये कुरियोचन बहुत लालची है, एक भी रुपए कम दो तो पीछे पड़ जाता है। मैं तो आश्रम चलाने के लिए सब खरीदता हूँ, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर भूल गया। अच्छा ये बताओ तुम हो कौन? मैम मदर टेरेसा ऑर्फनेज कोलकाता। कोलकाता से आए हो? जी हाँ। तो तुम डॉक्टर हो? कोलकाता में काम करने के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं मिला क्या? ऐसी बात नहीं। तो क्या हाउस सर्जेंसी पूरा करके कुछ दिन बाहर काम करना चाहता हूँ। वैसे मेरे माता पिता यहीं के थे। अब वो कहाँ हैं? वो अब नहीं रहे, कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में। मैं तुम्हारे लिए नौकरी कहाँ से ढूंढूं? हमारे ट्रस्ट के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वहाँ कोई सरदर्द की एक गोली तक मुफ्त में नहीं देता है। अरे आजकल कोई किसी पर दया नहीं करता है। मैं शहर में किसी को नहीं जानता हूँ, आपको ही मेरी मदद करनी होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलेगा, आप तो बहुतों को जानते होंगे ना। एक चांस है लेकिन पक्का नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है फादर, थैंक यू, मैं इंतजार करूंगा। हाँ तुम एक डॉक्टर हो ना, तो मैं तुम्हें एक अच्छा काम देता हूँ। यहाँ आओ। अरे इसे उठाओ उठाओ और इसे ले जाकर रसोई में रख दो। हम अब बुड्ढे हो गए हैं, ज्यादा वजन नहीं उठा पाते। अरे तुम इसे लेकर जाओगे तो तुम्हारे लिए एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अगर आपने तो कमाल कर दिया। चलो इसे पकड़ो और उससे रास्ता दिखाओ। जाओ जल्दी जाओ रसोई में। सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा, कुछ काम भी करना चाहिए। क्यों डॉक्टर, कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं फादर, मैं खुश हूँ। ये सब काम तो मैंने पहले भी किया है। पेट्रोस, जल्दी करो, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे, उन्हें भूख लगेगी। बस हो गया फादर। अरे आज तो ये जल्दी आ गई। और डॉक्टर तुम काम खत्म करके चर्च में आ जाना। पेट्रोस जी कौन है वो? हाँ उनका नाम है मालविका नंबियार, बहुत अमीर है वो। ये अनाथ आश्रम उन्हीं की मदद से चलता है डॉक्टर, इनके शहर में बहुत अस्पताल है। अच्छा। शायद फादर तुम्हारे काम के लिए उनसे बात करेंगे। क्या ये वही लड़का है? आर्यन आप किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करना चाहते हैं? तुम ही से पूछ रही हैं। कार्डियोलॉजी। बायोडेटा है तुम्हारे पास? ओके, तुम सारे सर्टिफिकेट्स लेके मेरे हॉस्पिटल आ जाना, मैं एचआर डिपार्टमेंट में बात करती हूँ। थैंक यू मैम। अच्छा तो नौकरी मिलने के बाद आर्यन यहाँ कभी नहीं आया? हाँ तीन चार बार आया था यहाँ, साथ में किसी लड़की को भी लाया था। अब ये क्या है? ये पाव है और ये ढोकला है। भाई साहब दो और दीजिए। फादर कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? किसी काम से गए, मुझे नहीं लगता वो काम बनेगा। क्यों? फादर बच्चों का फ्री में इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, लेकिन वो बंदा इनसे भी तेज है। अपने फादर की वहाँ नहीं चलने वाली। कितना वह? जी 50 रुपए। अरे नहीं 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 नहीं, आप क्यों देंगे? मैंने खाया तो मैं दूंगा। ठीक है तुम दे। पर मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तो फिर रोका क्यों? अच्छा तो चार पाव भाजी और दो। और चार? कितना खाएगा? सिर्फ चार। ये लीजिए, तुम मेरे साथ आ रहे हो? इसमें से मतलब? अच्छा चाबी चाहिए? कितना तो मैं खाना है तो खरीद के खाओ। अच्छा? इसमें से मत खाना। रुके 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 रुके, अरे रुके ना, कहाँ जा रहे हैं? ये मेरी गाड़ी है और आप गाड़ी लेके मुझे छोड़ के जा रहे हो? रमेश तुमने सुना नहीं उसने क्या क्या कहा? डॉक्टर आर्यन यहाँ कई बार आया था। हाँ तो क्या हुआ? वो भी किसी लड़की के साथ। तो हमें बस ये पता लगाना है कि आखिर वो लड़की है कौन। सुंदर लड़की भी हो सकती है। सुंदर लड़की है तो देखना पड़ेगा। चलिए चलिए मैं भी चलता हूँ। हॉस्पिटल काफी बढ़िया है। हाँ बढ़िया तो है, पर कार से आने वाला पैदल वापस जाएगा। अच्छा इतना अच्छा इलाज करते हैं? अच्छा क्या इतना बिल आता है कि कार बेचनी पड़ती है। जी सर। लेकिन मेरी समझ में एक बात बिल्कुल नहीं आती कि इन अस्पतालों में अचार सेक्शन क्यों होता है? वो अचार नहीं, एचआर है, ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या मतलब? ह्यूमन रिसोर्सेज। यू ये देखो ह्यूमन रिसोर्सेज। यू हेलो कौन है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, मुझे यहाँ नौकरी चाहिए। नौकरी? यस। पहले आप यहाँ एप्लीकेशन दीजिए, जब भी यहाँ कोई वैकेंसी होगी हम बुलाएंगे, यहाँ का यही प्रोसीजर है, समझ गए ना? वो सब तो मैं समझ गया। आपका नाम काव्या है ना? हाँ तो? कुछ नहीं, वैसे बड़ा प्यारा नाम है आपका। आपको क्या चाहिए? अभी तो बताया,
मुझे नौकरी चाहिए। कैसी नौकरी? कैसी भी, आप जो भी नौकरी देंगे ये करने को तैयार हैं। आज तो ये मेरी गाड़ी के ड्राइवर भी बन गए। क्यों सर? लगता है आप लोग यहाँ गलती से आ गए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, वहाँ साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए था, वही सही जगह है। ऐसा मत बोलिए, इससे पहले भी आप बहुत लोगों को नौकरी दे चुकी हैं, खासकर उस खूबसूरत नौजवान को। आप उसे भूली तो नहीं होगी? वही डॉक्टर आर्यन। कौन है आप? पुलिस ऑफिसर हैं। और ये यहाँ के नहीं है, केंद्र से आए हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। काव्या, मैं डॉक्टर आर्यन के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानती थी ना? शायद इसीलिए मिस काव्या आपने डॉक्टर आर्यन को यहाँ पर नौकरी दी थी। मैंने नहीं, मालविका मैडम के कहने पे डॉक्टर आर्यन को यहाँ नौकरी मिली थी। काव्या प्लीज, बॉन्ड खत्म होने से पहले ही सर्टिफिकेट मांगूंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम चाहो तो एमडी वरुण से बात कर लो। बाप रे, नहीं यार, उससे मांगूंगी तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा, इससे अच्छा तो मैं नौकरी छोड़ दूं। पिताजी हैं, हमेशा फोन करते रहते हैं। क्या बात है? कोई रास्ता बताओ ना सर्टिफिकेट हासिल करने का। कहीं से फेक पासपोर्ट बनवा लो तुम। फेक पासपोर्ट? हाँ, मगर ओरिजिनल लगना चाहिए। उसे यहाँ दिखाकर तुम कह सकती हो कि मुझे फॉरेन जाना है नर्सिंग कोर्स के लिए। एक बार सर्टिफिकेट मिल जाए तो तुम कहीं भी अप्लाई कर सकती हो। हेलो, क्या है डैडी? हाँ, क्या कहा? लड़का मुझे देखने आ रहा है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, मुझसे पूछ भी ना। उसे यहाँ क्यों भेज दिया डैडी? क्या हुआ? कोई पागल मुझे देखने आ रहा है, वो भी यहाँ पर। एक्सक्यूज मी। यस। सॉरी, आप बिजी हैं क्या? लड़का सुंदर है, देखो कितना हैंडसम है। हेलो। हाय। तुझे बैठी बैठी। थैंक यू। फादर कॉल्ड मी जस्ट नाउ। ओह फादर। हाँ। बायोडेटा? अरे बायोडेटा की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बात करते हैं। ठीक है ठीक है, पूछिए आप, मैं बताता हूँ। आपकी हॉबीज क्या हैं? हॉबीज? म्यूजिक, रीडिंग और ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मुझे भी ये सब बहुत पसंद है, मैं फिल्में बहुत देखती हूँ, शाहरुख खान की तो मैं फैन हूँ। हाँ? बुरा मत मानना, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, बस ऐसे ही जानने के लिए। पूछिए। आपने कभी प्यार किया है? नहीं। नहीं, मैंने भी नहीं किया अब तक तो नहीं। पता नहीं फादर ने पूछा कि नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। क्या? पैसों के मामले में सब क्लियर होना चाहिए, बाद में कोई मुसीबत ना आ जाए। पैसों की कोई बात नहीं है, बस एक्सपीरियंस चाहिए। अगर मुझे यहाँ एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो मैं कहीं भी सर्वाइव कर सकता हूँ जी। अगर पसंद आ गई तो यहीं रुक जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हाय काव्या। फादर मस्ट हैव कॉल्ड यू, बिजनेस के काम से दिल्ली गया था इसलिए आने में लेट हो गया। सॉरी डियर। लगता मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। अगर इस वक्त फ्री हो तो हम दोनों कहीं बाहर चल सकते हैं, चाय कॉफी पियेंगे या कहीं फिल्म देखने चलते हैं। उठो, चलो उठो। मैं तुमसे कह रही हूँ उठो, अपना चेहरा देखा आईने में? गेट आउट, लड़की देखने चला है नालायक, जाओ यहाँ से, बेशरम कहीं का, निकलो यहाँ से। ये लड़की भी हाथ से गई। अरे बात तो सुन लो। थैंक यू। सुनिए, वो आपको देखने आया था, आपको उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उस लल्लू की हिम्मत तो देखो, वो मुझे देखने आया। वैसे मुझे लगता है कि आज के बाद वो किसी लड़की को भी देखने नहीं जाएगा। अच्छा, आपने उसे भगाया क्यों? वो सब छोड़िए, आपने देखा वो कैसे लाट टपका रहा था? वहाँ पर है एमडी वरुण का कमरा। वाह, क्या बाल है तुम्हारे, अति सुंदर। एक्सक्यूज मी सर। ब्यूटीफुल। काव्या, गुड मॉर्निंग सर। कौन है? ये डॉक्टर आर्यन है सर, मैडम ने भेजा है। इसलिए भेजा? ओह अच्छा, डॉक्टर आर्यन। हाँ, सिट सिट सिट। वाणी, मैंने तुम्हें जो काम बताया था वो पूरा कर देना। हाँ, तुम जाओ। काव्या बैठ जाओ ना। इट्स ओके सर, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर आर्यन, आर्यन कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइज करना चाहते हो ना? हाँ सर। यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वी के माधवन है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उन्हें ये रिकमेंडेशंस वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे घबराओ मत, मैंने उनसे बात कर ली। काव्या, यस सर, डॉक्टर आर्यन, आर्यन को तुम ले जाकर डॉक्टर माधवन से मिलवा दो, कहना कि मैंने भेजा। ओके सर। थैंक यू सर। ओके ओके, जाकर मिल लो। काव्या, नेक्स्ट वीक बिजनेस के काम से मैं मलेशिया जा रहा हूँ, तुम्हें भी साथ चलना होगा। सर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट नहीं है? नहीं है सर। पर तुम्हें अब तक बनवा लेना चाहिए था। सर बनवा लूंगी। ठीक है, चलो। ओके चलो। वाणी, तुम्हारे पास पासपोर्ट? हाँ सर है। है ना? ओके ओके। वाणी काफी है। हे काव्या। हाँ? मुझे एक डाउट। क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने एमडी वरुण से सच बोला या झूठ। अच्छा, वो पासपोर्ट वाली बात। अरे झूठ बोलना तो औरतों के लिए एक वरदान है समझो, जब कोई मुसीबत आती है तो हमारी तीसरी आँख खुल जाती है। इसका मतलब झूठ सुनो बोला।
अब तुम्हारा सामना शेर से होने वाला है, वो कभी कभी गरजता भी है डॉक्टर आर्यन, तुम डरना मत। हे भगवान। Listen, we don't tolerate such things here. How could you? You irresponsible idiots. Don't you have any manners? अंदर आने से पहले नॉक करके परमिशन लेनी चाहिए ना, you stupid idiot. मैं डॉक्टर आर्यन को एमडी वरुण सर के कहने पे आपसे मिलाने आई हूँ सर, और नॉक करना भूल गई। Don't cry. I said don't cry. अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ ना। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? सर, आपने कहा जाने को तो मैं। डॉक्टर आर्यन, मुझे रिकमेंडेशंस वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। इन माय एक्सपीरियंस, जो रिकमेंडेशन से आता है वो बिल्कुल काम नहीं जानता। दो हफ्ते देखूंगा, अगर काम पसंद नहीं आया तो निकाल दूंगा। यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। मंडे से काम शुरू करना है, यहाँ के पहले डॉक्टर विनोद से मिलना। शार्प 8 o'clock. ओके। बस इतना ही? हाँ इतना ही। तो काव्या, फिर तुम दोनों का प्यार कब शुरू हुआ था? ए, हमारे बीच में प्यार जैसा कुछ नहीं था। सुनो, डॉक्टर वकील से झूठ बोल सकती हो, लेकिन पुलिस वाले से नहीं बोल सकती, और जो केंद्र से आया उससे तो बिल्कुल नहीं। ए, यहाँ पुलिस वाला कौन है? आप है ना पुलिस वाले, आप यहाँ लोकल पुलिस वाले की तरह पूछताछ कीजिए, नहीं तो ये लोग कुछ भी नहीं बताएंगे, केंद्र की बात को भूल जाइए और अपने आप को। चुप करो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तो फिर काव्या, तुम दोनों का प्यार कब शुरू हुआ था? वानी, डॉक्टर आर्यन को कहीं देखा? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, ऑफिशियल बात करनी है। वो मेरे ऑफिस में है। क्या वो तुम्हारे ऑफिस में? क्यों? डरो मत, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आज मैंने जल्दी निकलने का प्लान बनाया था, और तभी डॉक्टर आर्यन वीके सर की सारी फाइल्स लेकर वहाँ पहुँच गए। इतनी फाइल्स देखकर तो मेरा मूड ही खराब हो गया, और मुझे जल्दी जाना था, इसलिए डॉक्टर आर्यन मेरा काम कर रहे। ओ, ये बात है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आज तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बात ये है, मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है। फ्रेंड या कुछ और भी। तुम्हें मुझसे जलने की कोई जरूरत नहीं, अपनी अपनी किस्मत होती है काव्या। तुम मुझे मना मत करना, मेरे लिए कोई और जगह नहीं है जाने के लिए। क्यों, क्या हुआ? पहले तुम वादा करो, फिर मैं बताऊंगी। बताओ तो सही। बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है। बताओ। मुझे टेंशन मत दो, बात तो बताओ। पहले तुम वादा करो प्लीज। वादा करता हूँ, अब बताओ। मुझे 3 दिनों की मेडिकल लीव चाहिए, दोगे ना? एक दूंगा। मैं तो डर ही गया था, कोई भी बात सीधे तरीके से नहीं बोल सकती क्या? डर रही थी, कहीं तुमने मना कर दिया तो। क्या बीमारी है? लिख दीजिए कि मुझे दिल की बीमारी है। क्या? वही हार्ट अटैक, दिल का दर्द। आपका डिपार्टमेंट इन्हीं सब का है ना डॉक्टर? सही कहा। वैसे तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? मैंने उस दिन एमडी वरुण से कहा था ना कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो पागल ने मीटिंग बेंगलुरु में शिफ्ट कर दी। अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। उसके लिए दिल की बीमारी क्यों? बुखार वगैरह भी तो लिख सकती हो ना? लिख सकती हूँ, लेकिन दिल की बीमारी की वजह से छुट्टी जल्दी मिल जाती है ना। हेलो, छुट्टी के चक्कर में मेरी नौकरी जा सकती है? गई तो गई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगी। कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो, आखिर बात क्या है? घर वाले अब मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूँ। अगर हम दोनों ने देर कर दी तो दिल की बात दिल में ही रह जाएगी डॉक्टर। काव्या, तुम बहुत अच्छी हो, रियली क्यूट एंड पॉजिटिव, लेकिन मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए। अच्छा, टाइपिंग का काम खत्म हो गया? हाँ, हो गया। ये क्या, तुम यहाँ हो? चलो चलते हैं। अब ये नया कैरेक्टर कौन है? तारा। तारा, तो ये वही तारा है जो डॉक्टर आर्यन के साथ थी जब मंत्री चांडी की मौत हुई? हाँ, उस हादसे के बाद वो काम पे नहीं आई। तो तारा से मिलना पड़ेगा। ये तो भूत बंगले जैसा लग रहा है। आ जाओ। सर, आप मुझे भी पुलिस में भर्ती कर लीजिए। किस लिए? क्योंकि हर जगह मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। वैसे पुलिस वालों को ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता ना। क्या मतलब? हम दोनों मिलकर दिमाग चलाएंगे तो केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना। हेलो हेलो, लगता है यहाँ सब मर गए हैं। हेलो भाई साहब, क्या करते रहते हो? मुझे क्या पता खुला है। हेलो हेलो, लगता है यहाँ कोई नहीं है। हेलो, चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। हट, हाथ छोड़। सर, 13वीं के बाद आएंगे ना। ये क्या कर रहे हैं? नीचे उतरिए। नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व करेंगे, नीचे आइए। मत रोको, मुझे मरने दो। उसे मरना है तो मरने दीजिए, हम चलते हैं। आप पहले नीचे उतरिए। कुछ भी करो, मैं नहीं उतरूंगा, मुझे मरना है।
देखिए नीचे उतरिए फिर आराम से बात करते। मुझे मत रोको, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। आप कुछ बोलिए ना। आराम से। ए, क्या कर रहा है तू? ने स्टूल को पैर क्यों मारा? मैं तो बस ये देख रहा था कि इसे हटाने से होता क्या है। ड्रामा खत्म हो गया ना? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं हुआ। अगर तुमने इस घर से बाहर पैर रखा तो मैं इस घर को जला दूंगा और उस आग में जलकर हम भी अपनी जान दे देंगे। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, हमारे मरने की भी इसे चिंता नहीं। ठीक है, अगर तुम उसके साथ ही जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन इस घर में वापस नहीं आना बेवकूफ लड़की। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम्हारे जाते ही हम सब अपनी जान दे देंगे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये आपकी सगी बेटी है ना? अबे कौन है ये? अरे कौन हो तुम? सॉरी अंकल, पर मैं तारा को लेने आया। अच्छा अच्छा, अब समझा। तो वो तुम हो जो इसे प्यार में फंसा के हमारे खिलाफ भड़का रहा है। अभी बताता हूँ तुम्हें। जब आपकी बेटी ने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है तो फिर आप हो या कोई भी हो इसे रोक नहीं सकता। वो बालिग है और कानूनी तौर पर आप उसे नहीं रोक सकते। आज के बाद तारा की जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, कोई भी नहीं। तारा कम। अरे सुनिए। कौन हो तुम? डरो मत तारा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम जिस लड़के को चाहती हो मैं तुम्हें उसके पास सेफली पहुँचाऊंगा, पर बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? तारा मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें जानना चाहता हूँ। मुझे सच सच बताओ डॉक्टर आर्यन के बारे में। कौन है आप? पुलिस है, पुलिस वाला केंद्र से। तुम चुप रहोगे? चलो तारा। ए, 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 मैं भी चलता हूँ। तारा तुम डॉक्टर आर्यन के साथ काम करती थी, प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा तुम लोगों का कोई और रिश्ता था? आई मीन टू से एनीथिंग पर्सनल? जी वो काम में हम दोनों एक दूसरे की मदद किया करते थे। जब डॉक्टर आर्यन नौकरी करने आए थे तो वीके सर ने मुझे उनकी काबिलियत जानने का काम सौंपा था। सुनिए, वीके सर बहुत गुस्से में है, आपको ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वीके सर ने ईसीजी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए कहा, लेकिन ये मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है? यहाँ जो भी नए डॉक्टर आते हैं शुरू में थोड़ा नर्वस फील करते हैं। लगता है ये मायोकार्डियक इन्फेक्शन है। हाँ यही यही मुझे नहीं समझ आ रहा था। अब तो समझ आ गया ना, अब जाइए। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। आगे कोई डाउट हुआ तो मैं आपसे पूछ लूंगा। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहूँ आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे कहिए ना। आप मेरे साथ आज कॉफी पीने चलेंगी क्या? अगर आज आपने बताया नहीं होता तो मैं वीके सर से बात नहीं कर पाता। वीके सर बहुत गुस्से वाले इंसान हैं, पर जब उन्हें कोई पसंद आ जाए तो वो उसे अपना मान लेते हैं। अच्छा, पता नहीं वो मुझे कब अपना समझेंगे। ये बहुत जल्दी होने वाला है। अगर आगे भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसा तो आप मेरी मदद करेंगी ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस तुम मुझे इसी तरह ट्रीट देते रहना, मैं संभाल लूंगी। ऐसा क्या? पक्का दूंगा। अरे दिस इज परफेक्ट। ये मुसीबत यहाँ कैसे? एमडी वरुण सर, ये ट्राई करो, काव्या को पागल कर देगा। अगर तुम बोर हो जाओ तो इनसे खेल भी सकती हो। काव्या सर, मैं जाऊँ क्या? एक अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। अरे थोड़ी देर की तो बात है, हमारा मिलना किस्मत में लिखा था, तभी तो हम मिले ताकि हम एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे को जान सके। तो थोड़ी देर यहाँ घूमते हैं ना, उसके बाद किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके डिनर करेंगे, उसके बाद तुम जा सकती हो। जरा नजदीक आओ। अरे इसके नजदीक आओ। वाह, ये ड्रेस अगर तुम पहनोगी तो कमाल की लगोगी, तुम पे बहुत जमेगी। तुम कुछ करो, जाओ ना। तो जाओ ना, जाकर ट्राई करो। जाओ। हे काव्या, तुम जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा था। हेलो, एक्सक्यूज मी, सॉरी सर, आप भी यहाँ पे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे? एक्चुअली काव्या के लिए एक अर्जेंट फोन आया था, इसलिए मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। और ये मैडम है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी बुलाए काव्या को, कह देना काव्या डॉक्टर एमडी वरुण के साथ है। और ये भी कह देना कि दो दिन बाद फोन करें। जी जी। किसका फोन था मेरे लिए? कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? पर सर वो मालविका मैडम का फोन था। माँ का फोन? पर माँ ने फोन क्यों किया होगा? पता नहीं सर, शायद हॉस्पिटल में कोई अर्जेंट काम होगा, लेकिन कोई नहीं, मैं कह दूंगा। मना मत करना, दैट्स नॉट राइट। काव्या यू गो एंड अटेंड इट, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। फिर डिनर का क्या करें सर? डिनर वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। सो यू कैरी ऑन, ले जाओ इसे। थैंक यू सर। वैसे डॉक्टर आर्यन बहुत अच्छे इंसान थे, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं।
अब और क्या बताऊं मैं? भैया जरा उस तरफ रोक लेना। ओ। मुझे तो ये कोई पागल लगता है। तुम इसके लिए अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई हो पगली कहीं की। विथ बैग तारा तुम यहाँ क्यों आई हो? ये देखने आई कि तुम जिंदा हो या मर गए। वैसे तुम बुरी तरह से फंस गए हो। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। तुम्हारी हो ना? मैं राजीव। पुलिस है? नहीं है। मैं सब जानता हूँ। पता है ये अपनों को छोड़कर आई है तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए। ये बात है, फिर तो घर का खाना मिलेगा। मैं बताती हूँ, मैं बचपन से प्यार करती हूँ इनसे। जहाँ जाने कितने रिश्ते ठुकराए हैं इनके लिए मैंने। ये तो कुछ समझते ही नहीं है। और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। या तो ये मुझसे शादी कर ले या मैं किसी और को पसंद कर लेती हूँ। एक थप्पड़ मारूंगा तो सुधर जाएगा। नहीं मारूंगा। ये क्या हरी, अगर तुमने किसी से प्यार किया है तो उसे पूरी शिद्दत से निभाओ, उसे ऐसे बीच मझधार में छोड़ो मत। वैसे हरी काम क्या करते हो? वकील हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई केस मिला ही नहीं दोस्त। मैं भी वकील हूँ, मेरा नाम जॉनी। बेकार। वैसे इसको भी आज तक कोई केस नहीं मिला। हाँ। अच्छा हुआ। जॉनी की बीवी यूएस में रहती है, मेरा खर्चा पानी सब अब मेरे देखता पास है। तो कोई केस है नहीं, तो मेरी बीवी खर्चा भेजती है तो मैं इसका भी खर्चा चला लेता हूँ। चलो बहन अंदर आ जाओ। आओ। एक अच्छा केस इस घर की किस्मत संवार सकता है, लेकिन इन्हें अच्छा केस देगा कौन? सुनो, तुम लोग यहाँ बैठ के बातें करो, मैं चाय लेके आता हूँ। कुकिंग इज माई वीकनेस। समझ गया था, कुकिंग तुम्हारी वीकनेस है। चाय के साथ कुछ खाने को भी ले आना। हटो जरा, छान बीन करने दो, इससे कुछ नहीं होगा। सुनो, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुम इस तरह बिना बताए क्यों आ गए? एक फोन तो करती। मैं और क्या करती? कब तक मैं लड़ने लगे? लगता है जल्दी अलग होंगे। रुको रुको, बेशक जिंदगी भर लड़ते रहना तुम दोनों, लेकिन आज आज खुशियाँ मनाने का दिन है। बेशक शादी के बाद तो लड़ना ही है, आज तो खुशी मना लो, वरना शादी के बाद कोई चेंज ही नजर नहीं आएगा। अपनी बकवास बंद करो, चलो। वही बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तारा को मैंने तुम्हारे पास सही सलामत पहुँचा दिया, लेकिन मेरी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई। कैसी प्रॉब्लम भाई? आर्यन, मुझे डॉक्टर आर्यन की लव स्टोरी के बारे में जानना है। उसके बारे में यही बता सकता है। मैं उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? अरे तुम ही ने तो उन्हें फ्लैट दिलाया था। बस फ्लैट ही तो दिलवाया था, उसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, वहीं से तो उसकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। हाँ रमेश, मैं पहुँच गया हूँ, टेंसी के पास ही हूँ। दरवाजा खुला हुआ है, तुम अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ गया हूँ। फ्लैट तो बहुत बढ़िया यार। इसीलिए तो ये दिखा रहा हूँ, तुम्हारी पसंद मुझे उसी दिन समझ में आ गई थी। तू कहाँ है भाई? मैं बालकनी में हूँ। बालकनी? मैं बालकनी में आ गया। अरे मैं भी तो यही हूँ। तू वहाँ क्या कर रहा है? डॉक्टर। अबे ये बता तू वहाँ क्या कर रहा है? मैं कोई मच्छी नहीं भून रहा हूँ, आपके लिए खड़ा हूँ। ओहो डॉक्टर, आप वहाँ कहाँ चले गए? तूने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था, इसीलिए तो मैं टेंसी की बालकनी में खड़ा हूँ। अरे मैंने ई ब्लॉक में बोला था, आप तो डी ब्लॉक में चले गए। अब क्या करूँ मैं? वहाँ से कूद जाइए, या फिर पीछे से घूम के इस फ्लैट में आ जाइए। पता नहीं कैसा डॉक्टर है, ऑपरेशन कैसे करता होगा। आ रहा हूँ। हेलो हेलो, बाहर आए कि नहीं? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। सर सर सर, संभाल के सर, संभाल के। ओ, आप पहलवानी करती है क्या? मारेंगी नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। सुनिए, मारने से पहले पूछ तो लेती कि ये कौन है। मैं टाइम पे नहीं आता तो ये बेचारा तो मर ही जाता। अब खड़ी क्या है, जाके पानी लेकर आइए। सर आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना?
मैं ठीक हूँ। ऐसा मत बोलिए, एक बार मेरी माँ ने भी पिताजी पर हथौड़ा फेंक के मारा था। घबरा के मैंने पिताजी से पूछा, आप ठीक तो हैं? उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ। इतना बोलते ही वो बेहोश होकर गिर गए। और उसके बाद वो 6 महीने तक गोवा में थे। गोवा में? हाँ, चोट की वजह से 6 महीने आईसीयू में रहना पड़ा बेहोशी की हालत में। उसे कोमा कहते हैं। कोमा हो या फुल स्टॉप, उससे हमें बचना चाहिए। अब पानी ठंडा है ना? आपको भी चाहिए था क्या? देखिए, मेरे सामने किसी को चक्कर आता है तो मैं तुरंत पानी पीता हूँ, नहीं तो मुझे चक्कर आ जाता है। I'm sorry. It's okay. गलती मेरी ही थी। इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। कुछ भी हो, आपको इस तरह से मुझे नहीं मारना चाहिए था। बस बस चलिए यहाँ से, आइए। सुनो भाई, पैसों की चिंता मत करना, पहले इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। आप ओपोजिशन पार्टी से बिल्कुल मत डरिए, पैसे मिलते ही मान जाएंगे, उन्हें तो मैं किसी तरह संभालूंगा। चिंता तो अपनी पार्टी के लोगों से है।
जिन लोगों को आपने खड़ा किया था आज वही लोग आपके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छोड़ो भी, हमारी पार्टी में ये सब चलता रहता है, लेकिन फिर हम दोबारा एक हो जाते हैं। पहले ये पैसे उन्हें दे दो, नहीं तो वो लोग अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। सुनो, पीछे से जाना, आगे से जाओगे तो मीडिया वालों को शक होगा। तुम कौन हो भाई? पूछ रहे ना, जवाब दो। दादाजी, ये मेरे दोस्त हैं आर्यन। अच्छा, अंदर आओ, तुम जाओ। ठीक है सर। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन। जेनी को तुम कैसे जानते हो? मैं बगल वाले फ्लैट में रहता हूँ। क्या काम करते हो? डॉक्टर हूँ। कहाँ? मूनराइज हॉस्पिटल कार्डियक डिपार्टमेंट में। कार्डियक डिपार्टमेंट मतलब डॉक्टर वीके के अंडर में? हाँ जी, वही। इधर आओ। अभी टाइम क्या हुआ? 8:30 बज रहे। तुम्हारी घड़ी काम नहीं कर रही है क्या? 8:38। करेक्ट। डॉक्टर आर्यन, हाँ? समझने की कोशिश करो, यहाँ इस घर में दो जवान लड़कियां रहती हैं। अगली बार यहाँ आना हो तो रात को मत आना, समझे? जी सॉरी सर, मैं तो ये सीडी देने आया था, जेनी ने मांगा था इसलिए। ओह, लव इंस्ट्रूमेंटल्स, मैं दे दूंगा। तुम जाओ। ठीक है सर। सो दैट वाज द ट्विस्ट। तो मिस्टर चांदी को जेनी और आर्यन के बारे में पता चल गया था। मुझे भी यही लगता है, उन्हें जरूर डाउट हुआ होगा। अच्छा, तो इसके बाद जेनी को इस मामले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तारा? मेरे ख्याल से तो नहीं, पर जैकब सर ने एक बार जेनी से पूछा था, दैट्स ऑल। जैकब सर? जैकब चांडी, मिनिस्टर चांडी के बेटे, यानी जेनी के पापा। कॉफी टाइम। हे जेनी बेटी, सुनो। बेटा, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो उसे इस कॉफी पर क्यों उतार रही हो? कॉफी ठंडी हो जाएगी, पी लो। हे, पहले इस कॉफी को पियो, उसके बाद आराम से बात करते। पापा, मुझे मस्का मत लगाइए। दादाजी ने मुझे कुछ बातें बताई और मैंने तुमसे पूछ लिया, तो इसमें इतना गुस्सा? अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, आर्यन इज जस्ट अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तुम सही हो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें दादाजी के पोजीशन के बारे में भी सोचना चाहिए बेटी। देखो, तुम जो भी करोगी लोग उसे बढ़ा चढ़ा के सबको बताएंगे। देखो बेटी, इसीलिए हमें संभल के रहना चाहिए। हम और दोनों में ऐसा कुछ नहीं है पापा, आप लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ओके, तुम कॉफी पी लो। वैसे तुम मम्मी का फोन क्यों नहीं उठाती? जानती हो बेटी, उसे लगता है कि मैं ही तुम्हें उसके खिलाफ भड़काता रहता हूँ, जो कि सच नहीं है। उसे एक बार फोन कर लो। देखो बेटी, मेरे समझाने पर वो नहीं समझती है। मम्मी से बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा नहीं कहते हैं बेटी, तुम्हें बात करनी चाहिए, आखिर वो तुम्हारी माँ है बेटी। पापा मेरी बात सुनिए, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी, तब क्यों नहीं सोचा मेरे बारे में? पापा, आपने आज तक कभी मम्मी की बुराई नहीं की, लेकिन मम्मी जब भी मुझसे बात करती है सिर्फ आपकी बुराई ही करती है, जो मुझे पसंद नहीं। बेटी, इसमें उसकी भी गलती नहीं है। हम दोनों का जब डिवोर्स हुआ था तो तुमने मेरे साथ रहने का फैसला किया था, शायद इसीलिए वो दुखी है। पापा प्लीज, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। आप कुछ भी कहिए, लेकिन मुझे मम्मी से बात करना पसंद नहीं है। अब गुस्सा थूक दो बेटी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। ठीक है। अच्छा हाँ, सुनो बेटी, मैं कोटियाम जा रहा हूँ। अरे, वहाँ अपनी ही पार्टी के लोग दादाजी के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं, इसीलिए मुझे जाना होगा। बेटी, तुम घर कब आ रही हो? क्या फायदा, आप और दादाजी तो हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। अच्छा हाँ, अपने डॉक्टर आर्यन को मेरा हेलो बोल देना। पापा, लगती है। अब पापा, दादाजी को चेकअप के लिए जाना है, उन्हें याद दिला देना। ओके, तुम इधर उधर मत घूमो, फ्लैट में ही रहा करो। बाय बाय। बाय। वाणी, हाउ कुड यू डू दिस? डॉक्टर आर्यन, यू आर लेट। सॉरी सर। दैट वी विल डिस्कस लेटर। नाउ यू हैव एन इंपॉर्टेंट टास्क। आज मिनिस्टर चांडिया चेकअप के लिए आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हैव अनदर सर्जरी, अ क्रिटिकल वन। वाणी ने डेट चार्ट में कुछ मिस्टेक कर दी, सर्जरी भी पोस्टपोन नहीं कर सकते और मंत्री जी का चेकअप भी जरूरी है। सो यू हैव टू मैनेज हिम फॉर अबाउट से 20 मिनट्स। आई विल जॉइन यू आफ्टर दैट। सर मैं कैसे? डॉक्टर विनोद सर्जरी में मेरी मदद करेंगे, सो दैट आई कैन कम अर्ली। ए, डर क्यों रहे हो? मंत्री जी का बीपी चेक करके ब्लड सैंपल लेने से पहले ही आ जाऊंगा। यू हैव टू मैनेज टिल दैट टाइम, दैट्स ऑल। मंथली हम उन्हें एक इंजेक्शन देते हैं ना, वो तुम लगा देना। ओके सर।
मंत्री चांडी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मंत्री चांडी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मंत्री चांडी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मंत्री चांडी इस्तीफा दो। टेंशन मत लो ठीक है जी। हमने सुना है चांडी सर इस्तीफा देने जा रहे हैं। वो यही आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेना। सुनो सर, चाहे कोई भी हो आईडी चेक करके ही भेजना। ओके सर। ओके ओके मिनिस्टर्स कमिंग। ओके सर। सुना है आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या ये बात सच है सर? ये तुमसे किसने कहा? जो मन में आया बोलते जा रहे हो। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं यहाँ रूटीन चेकअप के लिए आया हूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नमस्ते सर, आइए। शायद आपको मीडिया के लोग परेशान कर रहे थे। उनका तो काम ही यही है, जब भी मिलेंगे कुछ न कुछ पूछेंगे और उल्टा सीधा लिख देंगे। प्लीज कम। हेलो सर। भाई आजकल रात को घूमना फिरना बंद किया कि नहीं? बंद कर दिया सर। डॉक्टर वीके कहाँ है? डॉक्टर वीके आपका इंतजार कर रहे थे कि अचानक एक इमरजेंसी केस है, वो ऑपरेशन थिएटर में। तुम लोग चेकअप शुरू करो, मैं डॉक्टर वीके को लेकर आता हूँ। आइए सर। 77। क्यों, वेट ज्यादा है क्या? नहीं नहीं सर, लेट जाइए। अभी इस उम्र में वेट ज्यादा हो या कम हो क्या फर्क पड़ता है? सही कहा ना? लेट जाइए सर, ब्लड सैंपल्स लेने। हे प्रभु। जस्ट अ मिनट सर, मैं ब्लड ले लेता हूँ। तब तक तुम जाके इंजेक्शन लेके आओ तारा। ओके। अनु, हाँ? फ्रिज में चांडी सर का इंजेक्शन है, प्लीज ले आना सर। ओके, जल्दी आओ। अभी लाती हूँ। दर्द हो रहा है क्या सर? थोड़ा सा। सोई को थोड़े ही पता है कि मैं मंत्री हूँ। इसे लैब भेज दो। ओके। बस थोड़ी देर लगेगी सर। जल्दी हो जाएगा सर। सर हाथ जरा उठाइएगा। अनु जल्दी आओ। हाँ। ये क्या किया तुमने? शुक्र है कुछ हुआ नहीं। दो ना। ओके, लेट जाइए सर, बस एक इंजेक्शन देना बाकी है। सर फिर से आपको दर्द रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं। डॉक्टर। ओके, दर्द तो नहीं हुआ सर? बीपी चेक करता हूँ सर। बीपी थोड़ा हाई है सर। वो तो हो गई। सारे पार्टी के लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए, बीपी हाई तो हो गई। इसे निकाल देना। कोई इमरजेंसी केस है क्या? सर डॉक्टर सलीम, व्हाट हैपेंड? डॉक्टर सीम्स कार्डियक फेलियर सीवियर। डॉक्टर मिनिस्टर इज नो मोर। मिनिस्टर मिस्टर चांडी अब नहीं रहे।
सूत्रों के मुताबिक वो अपना रेगुलर चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए थे। वहीं उनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कुछ दिनों से पार्टी के कुछ नेता उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, शायद इसी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। सर 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 कुछ कहिए ना सर। सर सुनिए सर, सर क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? सर सर जवाब दीजिए सर। सर 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 के पीछे किसी का हाथ बोलिए सर। सर जवाब दीजिए सर। My condolences. Sorry to say this. Chandi sir ki maut, it's not a natural death. What? वैसे चांडी सर की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये एक प्री-प्लान्ड मर्डर है। ये कैसे हो सकता है? It's a well-planned murder. यहाँ के एक डॉक्टर ने ही किया है। वो इस हॉस्पिटल का जूनियर डॉक्टर है, डॉक्टर आर्यन। अभी अभी पुलिस का बयान आया है कि मंत्री जी की हत्या हुई है और पुलिस ने दोषी को अरेस्ट भी कर लिया है। और पुलिस का ये भी कहना है कि दोषी का संबंध पहाड़ों में बसे हुए माओइस्ट ग्रुप के साथ हो सकता है। स्टॉप इट सर। हम जानते हैं कि तुमने ये मर्डर किया है। हमें हॉस्पिटल से सारे सबूत मिल चुके हैं। भला इसी में है कि तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो। मैंने उन्हें नहीं मारा है सर, मैं कसम खा के बोलता हूँ सर, प्लीज मुझे मत मारिए सर। मैं तुम्हें 2 घंटे का टाइम देता हूँ, तुम इससे किसी भी तरह सच उगलवाओ। सर हरीश। मार क्यों खाते हो? सच सच बोल दो ना। जहां वो दस्तखत करने के लिए कह रहे हैं वहां कर दो बेटा। उसके बाद किसी अच्छे वकील से बात करके अपना केस उसे सौंप देना। अगर तुम निर्दोष हुए तो बाहर आ जाओगे। बेटा मेरा भी एक ही बेटा है तुम्हारी उम्र का, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह मार खाते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। दस्तखत कर दो बेटा, नहीं तो ये सब लोग मिलके तुम्हें मार डालेंगे। जो किया है वो कबूल कर लो। मैंने कुछ नहीं किया है सर, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं सर। जो नहीं मान लेता कि मर्डर तूने किया है। मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैंने किसी। क्या हुआ? उसने दस्तखत कर दिए सर। कल हम इसे बाहर ले जाएंगे। हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हासिल करने हैं। इसे ऐसे तैयार करना कि एक भी चोट ना दिखे सर। और तुम सुगनन से कह देना कि मीडिया वालों को खबर कर दे। एक ट्रैवल चार्ट तैयार करो और मीडिया वालों को भी उसकी कॉपी भेज दो। तुम उनके साथ ही रहना और इस पे भी नजर रखना कि ये अपना मुंह ना खोले। ओके सर। हम पुलिस वालों को कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, हम भी दिखा देंगे कि केरला पुलिस किसी से कम नहीं है सर। नमस्कार, सुपर न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। आज हम सुपर न्यूज टाइम में आपके लिए 4 सवाल लेकर आए हैं। पहला, मंत्री चांडी की मौत के पीछे क्या क्या राज छुपे हुए हैं? दूसरा, डॉक्टर आर्यन का किस किस ग्रुप से संबंध है? तीसरा, जिस हॉस्पिटल में मंत्री चांडी हमेशा रूटीन चेकअप के लिए जाते थे वहां डॉक्टर आर्यन को नौकरी किसने दी? चौथा, क्या इस मर्डर के पीछे किसी बड़ी हस्ती का हाथ है? इन सब के बारे में
सुपर न्यूज टाइम में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं कमिश्नर ऑफिस, जहां से हमारे रिपोर्टर बिनोई लाइव। यहां मैं कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। सुना है कुछ ही देर में डॉक्टर आर्यन, जिसे मंत्री हत्याकांड में दोषी ठहराया गया है, उसे बाहर ला रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस अपने पूरे बंदोबस्त के साथ उन्हें अपने साथ लेके जा रही है। हम उन्हें दिखा नहीं पा रहे क्योंकि पुलिस जिस गाड़ी में लेके जा रही है वो चारों तरफ से बंद है। सुपर न्यूज टाइम के जरिए आप देख सकते हैं कि वहां कैसी हलचल मची है। हमारे रिपोर्टर मिस्टर बिनोई भी अब पुलिस वैन के पीछे जा रहे हैं जानकारी लेने के लिए। डॉक्टर आर्यन को लेकर पुलिस अब यहाँ एसएससी रेस्टोरेंट के पास आई है। यही वो रेस्टोरेंट है जहाँ डॉक्टर आर्यन हमेशा खाया पिया करते थे। राजेश कैमरा उधर पैन करो। सुनने में ये भी आया है कि यहीं बैठकर उन्होंने मर्डर की पूरी प्लानिंग की थी। बिनोई अब हमें बताइए, क्या पुलिस को कोई सबूत मिला जिससे ये साबित हो कि डॉक्टर आर्यन ने इसी रेस्टोरेंट में बैठकर मंत्री चांडी के मर्डर की प्लानिंग की थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें पुलिस सूत्रों से पता चला है कि किसी ने इस रेस्टोरेंट में सेल्फी ली थी। उसमें डॉक्टर आर्यन पीछे की तरफ बैठे हुए नजर आए थे। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इस बात को लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, क्योंकि एक सेल्फी के आधार पर किसी को आरोपी नहीं ठहराया जा सकता। आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ ने उस गाड़ी को घेर लिया है जिसमें डॉक्टर आर्यन को पुलिस लेकर के आई हुई है। लोगों की भीड़ की वजह से हो सकता है कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े। यहाँ कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेता पहुँच गए हैं और आम जनता भी बढ़ती जा रही है। इतनी भीड़ को रोकना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया है, इसीलिए पुलिस अब डॉक्टर आर्यन को रेस्टोरेंट के अंदर लेके नहीं जा रही है, वापस उन्हें वैन में लेके जाया जा रहा है। डॉक्टर आर्यन, डॉक्टर आर्यन, डॉक्टर आर्यन, डॉक्टर आर्यन, आप कुछ बताएंगे? डॉक्टर आर्यन, क्या आप बता सकते हैं अजीत कुमार जी कि डॉक्टर आर्यन को पुलिस वापस क्यों लेकर जा रही है? मुझे नहीं लगता कि कोई खास कारण है। यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि पुलिस उसे संभाल नहीं पा रही है, इसलिए पुलिस उसे वापस ले जाएगी। क्योंकि जो भी करेगी, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। डॉक्टर आर्यन कुछ बोल रहे हैं। हाँ तो बिनोई, डॉक्टर आर्यन क्या बात कर रहे हैं बताइए हमें। हमें यहाँ क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, प्लीज बताइए। पुलिस अब डॉक्टर आर्यन को 10th फ्लोर वाले उनके फ्लैट में लेके जा रही है। डॉक्टर आर्यन इसी फ्लैट में रहते थे और यही बैठकर उन्होंने मंत्री चांडी को मारने की साजिश रची। कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। इसका मतलब डॉक्टर आर्यन, आपका कहना है कि मंत्री चांडी हार्ट अटैक से ही मरे थे? यस, आई एम श्योर सर, इट वाज अ हार्ट अटैक। उनकी मौत मेरे आंखों के सामने ही हुई थी। मैंने ही सीपीआर दिया था और इमरजेंसी डॉक्टर ने भी लिखा था कि हार्ट अटैक से ही वो मरे हैं। तो फिर ये मर्डर में कैसे बदल गया और तुम पर ही इल्जाम क्यों लगा? पता नहीं सर, मेरा सिर्फ एक ही गुनाह है, मैं मंत्री जी की पोती से प्यार करता हूँ। तुम दोनों के प्यार के बारे में मंत्री चांडी के अलावा कोई और भी जानता था क्या? शायद कोई नहीं सर, बस जेनी के पापा जेकब सर जानते हैं, लेकिन वो हमारे प्यार के खिलाफ नहीं थे, जेनी ने मुझे बताया था। अब मंत्री चांडी तो जिंदा रहे नहीं और मिस्टर जेकब तुम्हारे खिलाफ थे नहीं, अब सोचने वाली बात यह है क्या किसी और ने तुम्हें इसमें फंसाया है? डॉक्टर आर्यन, हो सकता है इसके पीछे कई लोगों का हाथ हो, और इस गुत्थी को जब तक सुलझा नहीं लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी, मैं एक निर्दोष को सजा नहीं होने दूंगा। नहीं सर, मेरा यहां से बच के निकलना बहुत मुश्किल है सर, मेरा कोई नहीं, कोई भी नहीं है सर। मुझे जिस तरह से फंसाया गया है, मुझे उससे बचना बहुत मुश्किल लग रहा है सर। डोंट वरी डॉक्टर आर्यन, उम्मीद मत छोड़िएगा, ये सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। एंड नाउ आई एम ऑल्सो इन दिस गेम। I'm राजीव। बैठिए। थैंक यू। आपसे कुछ जानकारी लेनी है इसीलिए आया हूँ। पता है, तारा ने बताया था। मैं
आर्यन से मिला था। सर, आर्यन ने आपको जो बताया वो सच है। ये बात शायद आर्यन भी नहीं जानता कि दादाजी और पापा दोनों हमारे प्यार के खिलाफ नहीं थे। जानी, एक बार और सोच के देखो, शायद उनके दिल की बात को तुम ठीक तरह से समझ ना पाई हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने पापा को अच्छी तरह जानती हूँ। हम दोनों का रिश्ता एक दोस्त से बढ़कर है। अगर वो हमारे खिलाफ होते तो वो मुझे साफ साफ कह देते ना। वैसे जनी, पुलिस का कहना है कि डॉक्टर आर्यन ने आपके दादाजी का मर्डर किया है। क्या तुम भी पुलिस की बात से सहमत हो? नहीं, आर्यन ऐसा कर ही नहीं सकता। आर्यन को किसी ने ट्रैप किया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, आर्यन को किसी ने ट्रैप किया है। पर आज नहीं तो कल सच तो सबके सामने आ ही जाएगा। डॉक्टर आर्यन को निर्दोष साबित करने के लिए मेरे पास एक प्लान है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बस मैं तुमसे जैसा कहूंगा तुम्हें बिल्कुल वैसा करना होगा, तभी हम लोग सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू। जैसा तुम लोग सोच रहे हो कि मैं डॉक्टर आर्यन का केस इन्वेस्टिगेट करने सेंट्रल से आया स्पेशल ऑफिसर हूं, नहीं, ये सच नहीं है जेनी। सच ये है कि मैं एक केस के सिलसिले में 6 महीने पहले अट्टापाड़ी के पास एक छोटे से गांव में आदिवासियों से संबंधित एक केस की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में गया था। हम लोग कहाँ आ गए? क्या मुंह खोल के सो रहा है? इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले। यहाँ कोई कैबरे डांस हो रहा है जो मैं आनंद लूं? मेरी बात ध्यान से सुन, यहाँ पर ऐसी वैसी बातें मत करना। अगर कोई पूछे हम यहाँ क्या करने आए हैं तो कह देना कि हम पक्षियों पर रिसर्च करने आए हैं। ऐसा क्यों सर? हम पुलिस वाले केस की जांच करने आए। ओ वेंगड़ी सर। हाँ सर। ये एक जंगल है। जी सर। यहाँ आदिवासी रहते हैं। ठीक है सर। उन्हें पता चला हम पुलिस वाले हैं तो वो लोग डर जाएंगे। अच्छा। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन में कोई हमारा साथ नहीं देगा। ओहो। इसीलिए हम दोनों को समझदारी से काम लेना होगा। लगता है सर अभी भी नहीं समझे। समझ गया। जब पुलिस वालों का साथ नहीं देंगे तो पक्षियों पर रिसर्च करने वालों का साथ क्यों देंगे? पागल है ये तो। क्या कहा? नहीं सर, पागल मैं हूँ, आप ठीक बोल रहे हैं सर। चश्मा लगा के अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहा है। और नहीं तो क्या? मतलब जब तक हमारा काम नहीं होता तब तक हमारी औकात नहीं है। सर वीरप्पन का घर भी यहीं कहीं है, आप कहें तो ले चलूं आपको। शायद वो तुम्हारा दोस्त था, तुम्हें जाना तो जाओ। मैं क्यों? गाड़ी आराम से चलाइए, नहीं तो दादी की टोकरी पानी में गिर जाएगी। अबे चुप कर, लगता है हम पहुंच गए। हाँ, कितनी मेहनत की यहाँ तक पहुंचने के लिए। अपने आप को सलमान खान समझ रहा है, बनियान पहन के बॉडी दिखा रहा है। अरे राजीव सर, आप तो सुबह आने वाले थे ना? नई जगह है ना, इसलिए टाइम लग गया, तुम सामान ले। हाँ। कितनी सुंदर जगह है ना सर, पहले यहाँ पर थोड़ा मजा कर लेते हैं, केस के बारे में बाद में सोच लेंगे। कितनी बार तुम्हें समझाऊं यहाँ केस की बात मत करो। समझ गया सर, मैं नहीं बोलूंगा, हम पक्षियों पर रिसर्च करने आए यही बोलूंगा, ठीक है ना सर? सर हमें पक्षियों को देखने जाना है ना। वाह, कुछ दिख रहा है क्या? बहुत कुछ दिख रहा है, अपना अपना नसीब है। ऐसा क्या? दिखाओ। इसे पकड़ो। क्या सर, मजा आया ना? छे, क्या है ये? जंगल का सौंदर्य, कल आप ही ने कहा था आनंद लो। दिख रहा है। आनंद लूं सर? हट। आप अकेले ही मजा लोगे क्या सर? पक्षी दिखाई दिए क्या सर? ये तो कुछ ज्यादा ही मजा ले रहे हैं। जरा कैमरा दो। क्या हुआ सर? तो ये लोग इस जंगल के पक्षी हैं, आपने कैसे ढूंढ लिया इन्हें? वैसे हो क्या रहा है वहां? लगता है ये लोग यहाँ चोरी करने आए हैं।
इनकी इतनी हिम्मत, दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं। सर आप वीडियो निकालिए, मैं चोरों को पकड़ता हूँ। मुझे भी कवर करना, हम इसे यूट्यूब में डालेंगे। चोरी करने दो। कैसा पुलिस ऑफिसर है, चोर को पकड़ने से मना कर रहा है। हाँ, वो तो गए, हाथ से निकल गए। अब चलो, जल्दी चलो। ए, ए चोरनी, रुक जा। चलो भागो। सर छोड़ना मत। चलो जल्दी। मैंने तभी कहा था उन्हें पकड़ते हैं। चलो, इस तरह जंगल में भागने की जरूरत नहीं पड़ती ना हमें। जल्दी चलो। अरे आप पागल हो क्या, मैं इधर से जाता हूँ। अरे चोरनी, अरे रुक जाओ, अरे रुको रे, कितना तेज भागती हो तुम दोनों, तुम लोग को तो ओलंपिक में जाना चाहिए। कितना तेज भागती हो, अगर ओलंपिक में भागती तो गोल्ड मेडल लेके आती। कौन है आप लोग, हमें जाने दीजिए। दिखने में तो चोरनी लगती नहीं हो तुम। सर आपको किस एंगल से ये चोरनी नहीं लगती है? रास्ता छोड़िए, हमें जाने दीजिए। ठीक है जाओ। अच्छा जाओ, हम लोग गाड़ी में छोड़ देते। हाँ। वैसे भी अकेले पुलिस स्टेशन जाने में डर तो लगेगा। अब तुम दोनों ने चोरी कर ही ली है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। पुलिस स्टेशन? हाँ, तुमको हमने चोरी करते हुए अपनी आंखों से देखा है, पुलिस स्टेशन तो जाना पड़ेगा। हमारे पास सबूत है, जरा दिखा दो उसे। चोरनी कहीं की? हम जानते हैं चोरनी, उस वैन से तूने लाल रंग का प्लास्टिक कवर चुराया है। सही कहा ना? हमने कोई चोरी नहीं की है। कितनी बोली बन रही है, तू बोलेगी और हम लोग मान जाएंगे? आज तक कोई चोर माना है कि उसने चोरी की है? हमारे पास सबूत है, सबूत दिखाइए सर इसे। देखो मंदिर में दो देवियां दिख रही है, देवी प्रसाद ले जा रही है, खुद तो बिगड़ी हुई है और बच्ची को भी बिगाड़ रही है। आप क्या बोल रहे हैं, हम लोग चले पुलिस स्टेशन? आजकल पुलिस पहले जैसी नहीं है, आजकल हर थाने में लेडीज पुलिस भी होती है। चलो तुम लोग, मोर मोर के सच उगलवाएंगी। सर ऐसा मत कीजिए, हम सच बताते हैं, कल्याणी की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो बिस्तर पर पड़ी है, उसकी दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए हमने ये किया। तुम्हारी इस बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा, तुम दोनों को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है, उसका वीडियो भी है ना? हाँ। वैसे झूठी कहानी बनाने के लिए दिमाग भी होना चाहिए। तुम रहती कहाँ? इसका घर इसी कॉलोनी में है, मैं कहीं और रहती हूँ। क्या नाम है? कीर्तु। हाँ? कीर्तु, ऐसा भी कोई नाम होता है क्या? कीर्तिका, प्यार से कीर्तु बुलाते हैं। हाँ। तेरा नाम क्या है? कल्याणी। तो तुझे कल्लू बुलाते हैं क्या? ए, लो अपना बैग दिखाओ। चुपचाप बैग दो अपना, ये पकड़ो, दीजिए। देवी ने प्रसाद के साथ 2000 के दो नोट भी दिए। सर सर आपको देखने से लगता नहीं आप एक धक्के में गिर जाओगे। सर वो दोनों धोखा देकर भाग गए। सर कोई बात नहीं, हमें जो मिला है वही बॉम्ब है। बॉम्ब? अरे सर क्या हुआ, कोई जानकारी मिली क्या? सर उसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है सर? आर्टिकल है, बीबीसी का वर्ल्ड्स अननोन एडिशन है, वैगा देवी सीरीज में लिखा गया ये पहला आर्टिकल है। वैगा देवी, वो कौन है? वर्ल्ड्स फेमस जर्नलिस्ट, सोशल क्राइम इनका फेवरेट टॉपिक है। तुम्हें याद होगा कुछ दिनों पहले ढोंगी स्वामी पकड़ा गया था। हाँ? उस केस की तह तक जाने में वैगा देवी का बड़ा हाथ। सुना है जिस जर्नलिस्ट ने उस केस के बारे में लिखा था उसका खून हो गया है। हाँ। तो फिर कई दिनों तक उस केस में किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन इस वैगा देवी ने बीबीसी के लिए उस टॉपिक पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई विद विक्टिम्स इंटरव्यूज। टॉपिक फिर से सेंसेशनल हो गया और सरकार को दोबारा केस फाइल करना पड़ा और ढोंगी बाबा पकड़ा गया। ये तो आश्चर्य की बात है, वैगा देवी अभी तक जिंदा है। मुझे तो लगता है वैगा देवी की ये फेक आईडी है। फेक? समथिंग लाइक अ पेन नेम, वैसे वो दिल्ली में रहती है,
लिविंग लाइक अ वेरी स्मार्ट शैडो प्लेयर। उसी डॉक्यूमेंट्री की वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। अगर उसने दिल्ली में बैठकर वो आर्टिकल लिखा है तो यहाँ वो आर्टिकल इस लड़की के हाथ में कैसे लगा? इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, उसी को देना पड़ेगा। अच्छा तो यही काम है तुम्हारा, चोरी करना। वो क्या है कि... वो क्या 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 है हा? बोलो। मैं यहाँ अपना ही बैग लेने आई थी, तो ये चोरी कैसे हो सकती है? क्या बात है, एक तो तुम एक नौजवान के कमरे में बिना पूछे घुस गई और ऊपर से मुझसे सवाल कर रही हो। मुझे बस मेरा बैग चाहिए। नहीं, बैग छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ। तुम पकड़े जाओगे। ठीक है, मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझ पर हमला किया। ए, रुक जा। ए, रुक जा। चोरी। जल्दी चलो। ए, रुक। सर, वो चोरनी भाग गई सर। जाने दो उसे। उसका बैग तो मेरे पास ही है ना। आपको तो उस लड़की का बैग मिल गया, लेकिन मेरा तो बैग फट गया ना उस लड़की की वजह से। सर, आप जानते हैं ये वही जगह है? लग तो रही है। बिना जगह का नाम जाने आपको कैसे पता चलेगा? सब पता चल जाएगा। दवाई बदलनी पड़ेगी, ये एक छूत की बीमारी है, बहुत जल्दी फैलती है। आजकल सरकारी हॉस्पिटल में इसकी दवाई नहीं मिलती, हमें बाहर से मंगानी होगी। नर्स आपको नई दवा कैंप से लाकर दे देगी, ठीक है? हंगामा मत करना, तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ आऊंगी। कल्याणी की माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे यहाँ आओ बेटी। माँ जी को क्या हुआ है? माँ को बुखार हुआ था, डॉक्टर ने दवाई दी थी, लेकिन अब वो बोल भी नहीं पा रही है। इन्हें हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए? डॉक्टर ने दवाई दी है ना, वो ठीक हो जाएगी। तू कौन है बे? मेरा नाम बदरा है, यही रहता हूँ। अगर कोई यहाँ बीमार होता है तो उसे कैंप से दवाई देते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। सर, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे अस्पताल ले जाइए। कल्याणी, अंदर जाओ। पेंगड़ी, हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे। जी सर। बेटा, सारा सामान पैक कर लो, हम माँ जी को हॉस्पिटल ले जाएंगे। ये तो कमाल ही हो गया, इसका मतलब बाहर वाले भी हमारे मामले में दखल अंदाजी करेंगे है? अगर हम इन्हें अभी हॉस्पिटल लेके नहीं गए तो ये यही मर जाएंगी। एक न एक दिन सबको मरना पड़ता है सर, आप जाइए अपना काम कीजिए। फिर भी हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। मैं कह चुका हूँ, लगता तुम समझे नहीं हो, हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ, समझे? हम जानते। देख, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त मैं तुझे। Oh!
पगड़ी, गाड़ी निकालो। किडनी फंक्शनिंग वीक है, लीवर भी ठीक से काम नहीं कर रहा। आप इन्हें शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ ले जाएंगे तो ये बच जाएंगी। यहाँ हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम ट्रीटमेंट कर सके। वैसे डॉक्टर, क्या इससे पहले आपके पास कोई ऐसा ही केस आया था? 2-3 केस आए थे, उन लोगों को भी मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी थी, लेकिन इनको वहाँ ले कौन जाएगा? आपको तो पता ही है हमारी लिमिटेशन कितनी है। ये बीमारी फ्रिक्वेंटली कई लोगों को हो रही है डॉक्टर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? व्हाट कुड बी द रीजन? कोई छूत की बीमारी या फिर? इट्स नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ वायरल एपिडेमिक, ऐसा साइड इफेक्ट से भी हो सकता है, लोगों के खाने पीने की वजह से भी होता है, आई मीन फूड पॉइजनिंग या मे बी समथिंग एल्स। इनके सारे टेस्ट करवाएंगे तो शायद पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम है। ओके डॉक्टर, आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, हम इन्हें फौरन ही सिटी के मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा देते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, आराम से लेके जाते सर, हम लोग ले जा रहे हैं। कल्याणी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है? तुम पुलिस ऑफिसर हो क्या? मैं वैसा लगता हूँ क्या? नहीं, वो ऐसे ही मन में आया तो पूछ लिया। हाँ, पुलिस वालों से डरती हो क्या? मैं क्यों डरूं पुलिस वालों से? तो फिर बताओ, तुम्हें वो वैगा देवी का लिखा हुआ आर्टिकल कहाँ से मिला? मुझसे झूठ मत बोलना। देखा कैसे अचानक बदल गए, इसलिए मुझे शक हो रहा है कि पुलिस ऑफिसर हो। वो सब छोड़ो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। वैगा देवी बहुत दिनों से मुदुगन पहाड़ में ही रहती हैं। उस दिन मैंने उन्हीं के कहने पर दवाइयां चुराई थी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। वो क्यों, वहाँ पर मेडिकल शॉप नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, यहाँ जब भी किसी को दवाई की जरूरत पड़ती है तो वो मेडिकल कैंप से ही मिलती है, लेकिन वैगा देवी का ये कहना है कि जो दवाइयाँ कैंप से इन्हें दी जा रही हैं, वो दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले इन लोगों पर प्रयोग कर रहे हैं। कल्याणी की माँ को साधारण बुखार हुआ था, पर कैंप की दवाइयाँ खाकर उनकी हालत और बिगड़ गई। कल्याणी की माँ की तरह और भी बहुत से लोग हैं इस कॉलोनी में। वैगा देवी इन दवाइयों को लैब में ले जाकर जाँच करना चाहती थी, तभी उन्होंने मुझसे वो दवाइयाँ चोरी करने के लिए कहा था। ये वैगा देवी रहती कहाँ है? वो तो नहीं जानती, पर जब भी मिलना होता है तो एक खास जगह है जहाँ वो लिख के रख देती हैं कि हमें कब और कहाँ मिलना है। मेरा एक काम करना, अगली बार जब उनसे मिलना तो कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उस दिन जो कुछ हुआ उसे अपने दिल से निकाल देना, मैं तुमसे बचने के लिए ही वहाँ से भागी थी। हाँ, तुम सिर्फ चोरी करना ही नहीं, खुद का बचाव करना भी जानती हो। अब तो तुम सच्चाई जान गए हो ना, तो मेरा बैग वापस कर दो। मैंने कहा ना, मुझे वैगा देवी से मिलना है, तुम उनसे मिलवा दो, अपना बैग ले जाओ। अब जाओ। तो ये है वैगा देवी का मंदिर, मतलब यही वो जगह है जहाँ वो चिट्ठी लिख के रखती हैं, है ना? चारों तरफ दुश्मन है, मैं नहीं आ सकती, ठीक है? जब तक वो सामने नहीं आएंगी कुछ नहीं होगा। और उन्हें ये लिख दो, अगर उन्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं भी भरोसा नहीं करूंगा। सुनो, वैसे वो चली गई? जब यहाँ कोई नहीं होता तभी वो रख के जाती हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे यहाँ इतनी साड़ियाँ क्यों लटकाई हैं? यहाँ के आदिवासियों का विश्वास है कि अगर कोई लड़की किसी से प्यार करती है तो वो उसे पाने के लिए यहाँ मन्नत मांगते हुए साड़ी बांधती है, जिससे उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पर लोगों की लव स्टोरीज भी हैं। ये आदिवासी है तो क्या हुआ, ये भी तो इंसान ही है ना। सर, क्या हुआ, हॉस्पिटल से कुछ खबर आई क्या? माँ जी को जो दवाइयाँ दी थी उससे उनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई। ये सब कैंप की दवाइयों की वजह से हुआ है, लेकिन इसे साबित करना बहुत मुश्किल है। सैंपल्स दिल्ली भेजे क्या? वो तो सब मैंने कब के भेज दिए। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी? हाँ हाँ, वही भेजे। जो सैंपल भेजे उनकी रिपोर्ट आने दो, फिर सोचेंगे। ये सब उस डायन की वजह से हो रहा है। क्या? वही वैगा देवी, उसका वो जो आर्टिकल हमें मिला तभी से ये सब कुछ हो रहा है ना सर, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, उसने अपने आर्टिकल में सबके बारे में बुरा लिखा। तुम वैगा देवी को नहीं जानते,
उनके बारे में ऐसी वैसी बात मत करो। अच्छा तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि वैगा देवी कौन है। हाँ मैं जानती हूँ वैगा देवी को। उसके माता पिता ने इन आदिवासियों के लिए अपना सारा जीवन त्याग दिया था। वो बचपन से आदिवासियों के साथ रही है और इतना ही नहीं वो इन आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ती आई है। उसमें बहुत हिम्मत है। सच्चाई तो ये है कि कोडिनी पहाड़ों में आदिवासियों को जब सरकारी लोग वहां से भगा रहे थे तब उनकी मदद करने खुद उसके माता पिता गए थे। तब उसकी आंखों के सामने उन्हें जला दिया गया था। उस भयानक हादसे को वो आज तक नहीं भुला पाई और उसने अपने माँ बाप के अधूरे काम को पूरा करने का जिम्मा लिया। इन आदिवासियों को जिनसे खतरा है वैगा देवी उन्हीं लोगों से उन्हें बचाती आ रही है। उन्हीं के लिए वो जी रही है। वैसे तुमने सही कहा है उसके आर्टिकल्स बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि वो इन आदिवासियों को न्याय दिलाना चाहती है। वो नहीं चाहती उसके माता पिता की तरह किसी और की बलि चढ़े। ये क्या सर इसे क्यों इतना दुख हो रहा है जो रोते हुए चली गई। अगर तुम वैगा देवी को उसी के बारे में उल्टा सीधा कहोगे तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। वैगा देवी मैं तो किरतू से बात कर रहा था। वेंगड़ी तुमने उसकी आंखें देखी वी एंगल से आदिवासी लगती है क्या। उसे पहली बार देखते ही मुझे उस पे शक हो गया था। ये बात मैं समझ गया जो वैगा देवी है वही कीर्तु है। वैगा देवी कीर्तु की माँ का नाम है। वो किसी से डर के अपना नाम नहीं छुपा रही बल्कि वो तो दुनिया के सामने यहाँ की सच्चाई लाना चाहती है। उस लड़की में बहुत हिम्मत है और वो बहुत स्वीट भी है। वो तो है सर। ये माहे यार चली
को चुराने वाली साथ है भोली भाली सपनों में आने वाली पूरी तरह चिकन बनने के बाद जब ये मसाला ऊपर से डालोगे तो मजा आ जाएगा। हाँ, क्या बात है भाई। हाँ सही कहा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देख के ही लग रहा है बहुत टेस्टी होगा। हाँ, यहाँ कैसे आना हुआ? आओ, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आई हो। तुम रसोई में क्या कर रहे हो? मैं चिकन को नए तरीके से बना रहा हूँ। ओह सर, सच में मजा आ गया। थैंक यू। जो भी लड़की आपसे शादी करेगी ना, वो बहुत किस्मत वाली होगी, रोज अच्छा खाना जो खाने को मिलेगा। सच में? क्या? अच्छा, तो मुझे ही हमेशा खाना बनाना पड़ेगा, देख के तो ऐसा ही लग रहा है। बताओ कैसा है? अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं। नहीं? बढ़िया है, मुझे भी होटल का खाना बहुत पसंद है, खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आओ मेरे साथ, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? Well, मैंने चोरी पकड़ लिया है। किसकी चोरी? वो पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे जानते हैं। जो राज आज तक कोई नहीं जान पाया, वो राज आज मैं जान गया हूँ। ये लो अपना बैग पकड़ो, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कल्याणी की माँ को बचाने का रिवॉर्ड मुझे मिल गया है, अब मुझे यहाँ इन्वेस्टिगेशन बंद करके वापस बुलाया है। मुझे जो कुछ मिला था मैंने इसमें रख दिया, इसे वैगा देवी को दे देना। तो फिर तुम वैगा देवी से नहीं मिलोगे? वैगा देवी से मिलना इतना जरूरी नहीं है, दुख की बात तो यह है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। दूर जा रहे हो? हाँ। क्यों? जाना तो पड़ेगा। एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। हाँ? कौन सी बात? जाने से पहले एक बार उस मंदिर में आ जाना, वैगा देवी को वहाँ बुलाऊंगी, तुम उससे मिल लेना। तुम भी आओगी ना? आहा, बड़ा सच धज रहे हो, लगता है वैगा देवी ने मिलने का ठान दिया है। वो कहावत नहीं सुनी? Happiness is not out there, it's inside you. बुरा मत मानना, एक बात पूछूं, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? क्या आपको पता है कि वैगा देवी ही कीर्तु है? देखो मैं जानता हूँ कि वैगा देवी कोई और नहीं बल्कि कीर्तु ही है, और वो ये बात जानती है कि मैं ये जान गया हूँ, लेकिन अभी बात कुछ और है। हैं? हम दोनों लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। इसका मतलब? वो आज कुछ और बात करना चाहती है, वो आज मुझसे अपने दिल की बात कहना चाहती है, और इसीलिए आज उसने मुझे मंदिर बुलाया है, मुझे जाना होगा। मैं चलूं? आप सीरियस हैं? मैं भी उससे प्यार करता हूं और अब उसके साथ ही जीना चाहता हूं। नहीं जानती, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। तुमने पूछ ही लिया है तो हम बता देते हैं, जिन लोगों को ढूंढने के लिए तुम यहाँ रुकी हो वो हम हैं। बेनामी दवाइयों की कंपनी के बारे में जो वैगा देवी लिखती आ रही है ना, उस आर्टिकल्स के मेन विलेन हम ही हैं। बड़ी मेहनत के बाद तुम्हारी असलियत का पता चला। मुझे भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आप हो सकते हैं। अच्छा हुआ आप सामने आ गए, अगर मैं ये बात पहले ही जान लेती तो इस वक्त आप सलाखों के पीछे होते। मैं जानता था वैगा देवी यही कहेगी। कुछ साल पहले कोडन्नी पहाड़ों में मेरे खिलाफ इन आदिवासियों को जिन्होंने भड़काया था, उन दोनों को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, क्योंकि
उन दोनों को जिंदा जलवाना पड़ा था। और तू उनकी बेटी है, तुम्हारा खून तो खौलेगा ही। तो वो आप ही थे, आपने ही मेरे माता पिता को मारा था। मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुप कर लड़की। बद्रा, इसके साथ जो करना है कर ले। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। पूरी तरह से ठीक होने में मुझे काफी दिन लग गए। शरीर पर लगे घाव तो जल्दी भर जाते हैं, पर दिल पर लगे घाव उन्हें भरने में बरसों लग जाते हैं। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मंत्री चांडी और जेकब चांडी, इन दोनों की असलियत को जनता के सामने लेके आऊं। इस शहर में आने का मेरा मोटिव ही यही था कि मैं इस फैमिली का पर्दाफाश करूं। पर जेनी, आई कांट बिलीव दिस, मेरे पापा और दादाजी ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना जेनी कि कभी कभी सच को मानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। तुम्हें मानना ही पड़ेगा जेनी कि जिस आर्यन को तुम दिलो जान से चाहती हो उसे फंसाया गया है, और उसे फंसाने में तुम्हारे परिवार वालों का ही हाथ है। सच जानने की कोशिश करोगी तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब खुद मिल जाएगा। I'm sorry. हेलो, हाँ
डियर मेडू में जॉन से बात करो, बाकी सब कुछ मैं दिल्ली जाकर संभाल लूंगा। अब हाँ एक मिनट। हाँ जेनी। पापा मैं जरा बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? ऐसे ही कुछ खरीदना है मुझे। ज्यादा देर मत करना जी पापा, अपना ख्याल रखना ठीक है? ठीक है। अच्छा जाओ। हाँ ठीक है पापा। हाँ अच्छा हुआ इनके आने से पहले जेनी बेटी बाहर चली गई। नमस्कार। आजकल आपके दर्शन तो बहुत मुश्किल से हो रहे एडवोकेट श्री कुमार। जब से आप मंत्री बने हैं तब से आपसे मिलना ही नहीं हो पा रहा है। अभी जो बाहर जा रही थी वो जेनी है ना? बहुत दिनों के बाद आपने उसे देखा ना, इसीलिए शायद भूल गए। आप क्या कह रहे हैं, मैं कैसे भूल सकता हूँ? आज अगर मैं किसी मुकाम पर पहुँच पाया हूँ तो उसका सारा क्रेडिट जैकब सर को जाता है, और उसमें जेनी बेटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैकब सर का डाइवर्स केस भी मैंने ही लड़ा था, वो भी इनकी बीवी डेसी के खिलाफ। बहुत तेज औरत है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर भी वो भारी पड़ रही है, फेमस एडवोकेट है। ये उस समय की बात है जब जैकब सर अपनी बेटी जेनी को अपने पास रखना चाहते थे। इन्होंने कुछ ऐसा चक्कर चलाया था कि हम लोग केस जीत गए। डेजी सिर्फ मेरे सामने ही नहीं अपनी बेटी के सामने भी हार गई, और ये डेजी की अब तक की एकमात्र हार है। पुरानी बातें छोड़ो, इस केस में आर्यन किसी भी हाल में बाहर नहीं आना चाहिए, इसका ख्याल रखना। जब पिताजी जिंदा थे तब यहाँ की जनता उन्हें रिश्वत खोर कहती थी। मानता हूँ उन्होंने रिश्वत ली थी, पर हमने सारे पैसों को अपनी पार्टी के लोगों में बांट दिया था। इसके बावजूद हमारी पार्टी के लोग नहीं चाहते कि उनकी जगह मुझे मिले। यहाँ के कई नेता ये चाहते थे कि किसी भी तरह मेरे पिताजी इस्तीफा दे दें, इसीलिए उन्हें हमेशा बदनाम भी करते थे। वैसे पिताजी हार्ट अटैक से ही मरे, फिर भी उसे मर्डर का रूप देकर मैंने ही डॉक्टर आर्यन को अरेस्ट करवाया। उसके अंदर रहने में ही हम सबकी भलाई। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर आर्यन को अब कोई भी इस केस में बचा सकता है। वी हैव गॉट अ परफेक्ट विक्टिम। पुलिस जब किसी को अपराधी मानकर अरेस्ट करती है तो वह बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है, मगर अब ये केस इतना स्ट्रांग हो गया है कि इंसान तो क्या, भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। उसकी मौत निश्चित है। मम्मी, रो मत बेटा, जो हुआ सो हुआ। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुम सच्चाई जान गई। मम्मी आई एम सॉरी, आज तक मैं तुमसे दूर रही पर तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रही। तुम्हारी यादों के सहारे मैं अपनी जिंदगी जी रही थी, पर अब हम साथ रहेंगे। अब तो आप खुश है ना? थैंक यू राजीव, मेरी बेटी को मुझसे मिलवाने के लिए। अब हम सबको मिलके डॉक्टर आर्यन को बचाना है। जब मैं उसे जेल में मिला तभी मुझे लगा कि वो इनोसेंट है, और मुझे यकीन है कि आप डॉक्टर आर्यन को बचा लेंगी। मुझे भरोसा है डॉक्टर आर्यन निर्दोष साबित हो जाएंगे और इंसानियत की जीत होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं मदद करूंगी। अगर कोई निर्दोष है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं जानता हूँ मैडम, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आपके सामने कुछ नहीं, और मैं ये भी जानता हूँ कि मिस्टर जेकब अपनी पावर और पैसों के दम पर आपको हराने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होगी। मैं आर्यन को जल्दी ही बाहर निकालूंगी। मंत्री चांडी मर्डर केस की सुनवाई आज होने वाली है। पुलिस पूरे बंदोबस्त के साथ डॉक्टर आर्यन को कोर्ट में लेकर आ रही है। सर, इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे पिताजी हमेशा अपने देश का भला सोचते थे, उन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। वो एक सच्चे देशभक्त थे, लेकिन जनता ने उन्हें रिश्वत खोर का नाम दिया था, और इसी बात को लेकर वो बहुत दुखी रहते थे। आज मेरे पिताजी को न्याय मिलेगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सर, 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 केस नंबर 1092/2017 प्रोसीड।
वो यहाँ क्यों आई है? डॉक्टर आर्यन की तरफ से ये केस एडवोकेट डेजी लड़ रही है। डॉक्टर नारायण मेनन, स्वर्गीय मंत्री चांडी जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने ही तैयार की थी ना? जी हाँ। उनकी मौत का कारण क्या था? उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। मगर आपने चांडी जी की रिपोर्ट में ये लिखा है कि उनका मर्डर हुआ था। उन्हें कोई ऐसी दवा दी गई थी जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था। एक्चुअली उस दवा के कारण उनकी मौत हुई थी। दैट ड्रग इज कॉल्ड कैल्शियम ग्लूकोनाइड। दैट्स ऑल। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मंत्री की मौत हार्ट अटैक से हुई या ड्रग की वजह से? उनकी मौत तो हार्ट अटैक के कारण ही हुई थी, लेकिन उनकी बॉडी में कैल्शियम ग्लूकोनाइड पाया गया जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक होता है। मंत्री चांडी एक हार्ट पेशेंट थे, सालों से वो इसके लिए दवाइयां खा रहे थे। जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन भी वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे, तो हो सकता है कि उस दिन उन्हें हार्ट अटैक ही हुआ हो। हो सकता है, लेकिन हार्ट पेशेंट को कोई भी डॉक्टर वो दवा कभी नहीं देते। ओके डॉक्टर, तो आपका कहना है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। तो उनकी बॉडी में जो ड्रग का सैंपल मिला है, हो सकता है कि उन्हें जो हार्ट अटैक हुआ था उसका कारण वो ड्रग ही हो। सही कहा ना? सही कहा। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, उनके मरने के बाद डॉक्टर आर्यन को फंसाने के लिए अगर कोई जानबूझकर उनकी बॉडी में इस ड्रग को इंजेक्ट कर देता है तो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही आएगा। सही कहा ना? सही कहा। दैट्स ऑल योर ऑनर। आपने ही डॉक्टर आर्यन को अरेस्ट किया था, आपको वहाँ क्या सबूत मिला जिससे ये साबित हो कि डॉक्टर आर्यन ने ही ये मर्डर किया है? चांडी सर के मरने के बाद मैं अपनी टीम के साथ उस कमरे में गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस दवाई की बोतल का जिक्र किया गया था, हमें उसकी खाली बोतल वहाँ पर मिली थी। हमने फार्मेसी रजिस्टर को चेक किया, चेक करने पर पता चला कि डॉक्टर आर्यन ने मंत्री के आने से पहले वो दवाई हॉस्पिटल की फार्मेसी से सुबह 10 बजे ली थी। जज साहब, एनीथिंग टू क्रॉस एग्जामिन एडवोकेट डेजी? यस योर ऑनर। कमिश्नर सर, आपने जितने भी सबूत पेश किए हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये बताइए कि क्या डॉक्टर आर्यन की दिमागी हालत कुछ खराब थी? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ थे और उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर आर्यन ने पूरी प्लानिंग से ये मर्डर किया था। सो डॉक्टर आर्यन इज मेंटली फिट, राइट? यस, एब्सोल्युटली। अगर उनकी दिमागी हालत ठीक थी तो किसी अजनबी को मारने का कोई तो कारण होगा। अ मोटिव आपने इन्वेस्टिगेट किया? हां बिल्कुल। ओडिनी पहाड़ों पर रहने वाले आदिवासी माओइस्ट ग्रुप से मंत्री चांडी को हमेशा धमकियां मिलती रहती थी, खासकर उस साइलेंट वैली एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से। हमारे पास सबूत है, हम ये साबित कर सकते हैं कि डॉक्टर आर्यन का उन माओइस्ट ग्रुप के साथ संबंध है। आई कैन प्रूव इट। कैसे सबूत? डॉक्टर आर्यन का सेल फोन चेक करने पर हमें पता चला कि डॉक्टर आर्यन कई बार उस साइलेंट वैली में गए थे और उसी समय वहाँ माओइस्ट ग्रुप की मीटिंग चल रही थी। ये हमें टावर लोकेशन के जरिए पता चला। मिस्टर कमिश्नर, ये कोई टीवी चैनल नहीं है जो आपके मन में जो भी आए वो आप बोलते जाएंगे। ये कोर्ट है, यहाँ प्रूव करने के लिए ठोस सबूत चाहिए होते हैं। डॉक्टर आर्यन को आपने माओइस्ट साबित कर दिया। डॉक्टर आर्यन, जैसा कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि आप साइलेंट वैली के एक्सट्रीम माओइस्ट इलाके में जाया करते थे, उसकी वजह क्या थी? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मेरा पैशन है सर, मैं फोटोज निकालने के लिए कई बार साइलेंट वैली गया था सर। डॉक्टर आर्यन ने फेसबुक और इंस्टाग्राम में इस लोकेशन की फोटोज को टैग करके अपलोड किए हैं, ये रहे फोटोज और डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस। कमिश्नर सर, ट्रीटमेंट रूम में उस वक्त डॉक्टर आर्यन के साथ नर्स तारा भी थी, उसकी नजरों से बच के डॉक्टर आर्यन इंजेक्शन कैसे दे सकते हैं? जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था उस रूम से तारा कुछ देर के लिए बाहर गई थी, ये हमें सीसीटीवी कैमरा देखने से पता चला है। मतलब सिर्फ मंत्री चांडी और डॉक्टर आर्यन ही उस कमरे में थे, तभी ये हुआ होगा। आपका मतलब हुआ होगा? यू आर नॉट श्योर। आई वुड लाइक टू क्रॉस एग्जामिन नर्स तारा। जिस दिन मंत्री चांडी की मौत हुई थी उस दिन डॉक्टर आर्यन को पहली बार तुमने कहाँ देखा था? डॉक्टर वीके सर के कमरे में। और उस वक्त टाइम क्या था? करीब 11 बजे होंगे। ये तुम दावे के साथ कैसे कह सकती हो? उस दिन मंत्री जी का अपॉइंटमेंट था और डॉक्टर आर्यन देर से आए थे, इसीलिए वीके सर नाराज हो गए। ओके, डॉक्टर आर्यन आप उस दिन लेट क्यों आए थे? वो मेरी बाइक खराब हो गई थी और मुझे पता नहीं था कि मिनिस्टर का चेकअप मुझे ही करना है। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर, डॉक्टर आर्यन 11 बजे अस्पताल में पहुंचे थे और प्रोसिक्यूशन का कहना है कि डॉक्टर आर्यन ने 10 बजे फार्मेसी से दवाई ली। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तारा, उस दिन ट्रीटमेंट रूम में जो भी हुआ था तुम बिना डरे यहाँ सब कुछ बताओ। तो फिर अनु ने जो तुम्हें मेडिसिन दी वही तुमने डॉक्टर आर्यन को दी थी, सही कहा ना? नहीं, मैंने ही मेडिसिन सिरिंज में भर के दी, पर इंजेक्शन डॉक्टर आर्यन ने दिया था। तुम्हारे कमरे में आने के कितनी देर बाद डॉक्टर आर्यन ने वो इंजेक्शन दिया था? वो ही लगभग 6 मिनट। वो कैसे? जब मैं कमरे में गई तो डॉक्टर आर्यन चांडी सर को एग्जामिन कर रहे थे, फिर रिपोर्ट लिखी, उसके बाद ही उन्होंने इंजेक्शन दिया था। योर ऑनर, मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक
और जैसा प्रोसिक्यूशन ने भी कहा है कि मंत्री चांडी की मौत का कारण कैल्शियम ग्लूकोनाइट ड्रग है। अगर ये ड्रग किसी हार्ट पेशेंट को दिया जाए तो 60 सेकंड्स के अंदर हार्ट अटैक आता है। और प्रोसिक्यूशन का ये भी कहना है कि तारा जब बाहर गई थी तभी इंजेक्शन दिया गया होगा, मतलब 60 सेकंड्स में ही उनकी मौत हार्ट अटैक से हो जानी चाहिए थी। पर तारा का कहना है कि उसके अंदर आने के 6 मिनट के बाद हार्ट अटैक हुआ था। योर ऑनर, प्लीज अलाउ मी टू क्रॉस एग्जामिन हॉस्पिटल एमडी वरुण। अरे फंस गया, ये मेरा पूरा दिमाग खा जाएगी। बताओ ना कैसे बचा जा सकता है। चाहिए ना। जाना ही पड़ेगा। आपका नाम? क्या? वरुण। क्या आपकी डॉक्टर आर्यन से कोई जाति दुश्मनी है? मेरी और डॉक्टर आर्यन से कोई दुश्मनी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना? क्या आप इस लड़की को जानते हैं? ये कौन है? नहीं जानते? तारा। योर ऑनर, मे आई बी परमिटेड टू क्रॉस एग्जामिन तारा? ग्रांटेड। तारा, ये बताओ एमडी वरुण डॉक्टर आर्यन से नफरत क्यों करते थे? वो क्या है कि वरुण सर हमेशा मुझे और काव्या को परेशान किया करते थे, और कई बार तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर आर्यन ने हमें उनसे बचाया भी था। शायद यही कारण हो दुश्मनी का। नहीं, जो कुछ तारा ने कहा क्या वो सच है? उसने जो भी कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कभी किया भी होगा। डॉक्टर आर्यन ने फार्मेसी से जो मेडिसिन ली थी उसका ये बिल है, इसे आपने ही पुलिस को दिया था ना? हाँ, ये मैंने ही दिया था। आपकी सेक्रेटरी वानी का कहना है कि मंत्री चांडी के मरने के अगले दिन ही हॉस्पिटल में सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, क्या ये बात सच है? हाँ सच है। योर ऑनर, माइक्रोसॉफ्ट को भी आश्चर्य में डाल दिया है मिस्टर वरुण ने। पुलिस को इन्होंने जो ये बिल दिया है ये फॉन्ट पुराने सॉफ्टवेयर में नहीं है, इसका मतलब हॉस्पिटल में जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था उसके बाद ही ये बिल टाइप किया गया, मतलब मंत्री चांडी के मरने के बाद ये बिल बना। सबमिटिंग दी एविडेंस। व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किसी निर्दोष को अगर आप फंसाते हैं तो उसकी क्या सजा होती है ये आप जानते हैं मिस्टर वरुण? सजा? और मुझे? हाँ, बाकी की जिंदगी जेल में। ऐसा मत बोलिए, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है ना सर। योर करियर, ये जिंदगी, बिजनेस, सब खत्म हो जाएगा। अरे मैंने कहा ना आपसे मैं निर्दोष हूँ। अगर आप निर्दोष हैं तो सब सच सच बताइए ना। एक फेक बिल बनाकर डॉक्टर आर्यन को फंसाने का क्या कारण था? क्या आप किसी से डर रहे हैं या किसी के कहने पर आपने ये किया? जी हाँ। कौन है वो बताइए, आपने किसके लिए किया? मंत्री जेकब सर के लिए। यानी स्वर्गीय मंत्री चांडी के बेटे जेकब, राइट? हाँ, हाँ। किस लिए? मंत्री चांडी की मौत को मर्डर का रूप देकर मंत्री जेकब जनता से सिंपति लेना चाहते थे। योर ऑनर, अब मैं यहाँ एक मेन विटनेस को बुलाने की कोर्ट से अनुमति चाहती हूँ। प्रोसीड। मंत्री जेकब चांडी की इकलौती बेटी जेनिफर जेकब। जेकब अपने साथियों के साथ ये सब प्लान कर रहे थे तब जेनिफर ने रिकॉर्ड कर लिया था। मंत्री चांडी की नॉर्मल हार्ट अटैक से ही मौत हुई थी। मंत्री चांडी पर लगे रिश्वतखोरी का धब्बा मिटाने के लिए और मंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए जेकब चांडी ने ये खेल खेला। डॉक्टर आर्यन जैसे निर्दोष को दोषी बनाने का घिनौना अपराध किया है जेकब चांडी ने। ये पूरी एक साजिश है डॉक्टर आर्यन को फंसाने की। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ डॉक्टर आर्यन को निर्दोष मानकर रिहा किया जाए। मंत्री जेकब चांडी को और जिन लोगों ने इनका साथ दिया है उन सब पर कानूनी कार्रवाई की जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर यह पता चला है कि स्वर्गीय मंत्री चांडी की मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी, इसलिए ये अदालत डॉक्टर आर्यन को निर्दोष मानते हुए बाइज्जत भरी करती है। ये साबित हो गया है कि डॉक्टर आर्यन को फंसाने में मंत्री जेकब चांडी का ही हाथ है, इसलिए उन पर और उनकी मदद करने वाले सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आज सुबह मंत्री जेकब चांडी पर हमला हुआ है।
हाईवे के पास एक सुनसान जगह पे ये घटना घटी है। हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मंत्री जैकब पे हमला, इस हमले के पीछे किसका हाथ है? जब गाड़ी हाईवे के पास से गुजरी तो उन पर किसी ने गोली चलाई, लेकिन सौभाग्य से उनको गोली नहीं लगी। जिस दिन से उनके पिताजी के केस की सुनवाई हुई है उसी दिन से मंत्री जैकब चांडी के ऊपर ऐसे जानलेवा हमले हो रहे हैं। इस हमले के पीछे कौन है, उसका मकसद क्या है, कुछ पता नहीं चला है। पुलिस तहकीकात कर रही है। इतना बड़ा हमला होने के बावजूद उन्हें कोई चोट नहीं आई। यस राजीव भैया, बड़े आश्चर्य की बात है। राजीव आओ। क्या बात है सर, आपने यहाँ बुलाया? और राजीव बताता हूँ, तुम्हें पता चला होगा कि कल किसी ने मुझ पर हमला किया था, आज फिर उसने मुझ पर हमला किया। किस्मत अच्छी है कि मैं बच गया, मेरे आदमियों ने उसे पकड़ लिया है। राजीव तुमने इस केस के पीछे बहुत भाग दौड़ की है, तो तुम्हें भी उससे मिलना चाहिए, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? नहीं। तो कहाँ है वो? डॉक्टर आर्यन, इसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस अपने घर जा रहा था, इनके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। स्वर्गीय मंत्री चांडी का बेटा जैकब चांडी खुद को बचाने के लिए एक आखिरी चाल चलेगा। एग्जैक्टली। जिस कमिश्नर सतीश ने मेरी मदद की थी उसकी नौकरी तो चली गई, अब कोई पुलिस वाला मेरी मदद नहीं करने वाला है, और पार्टी वाले भी मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो अब मैं कुछ ही देर में मीडिया वालों के सामने अपने इस्तीफे की घोषणा करने वाला हूँ, और अब तो मीडिया वाले भी पहुंचते ही होंगे। जो लोग मेरे इस्तीफे के बारे में जानने के लिए यहाँ आ रहे हैं उन्हें मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ, एक बड़ी खबर, हॉट न्यूज। डॉक्टर आर्यन मंत्री जैकब चांडी को घर में घुसकर मारने आया था, तब वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर राजीव ने उस पर गोली चलाई। बाद में डॉक्टर आर्यन ने पलट कर राजीव पर गोलियों की बौछार कर दी। जैकब चांडी के घर में ही उन दोनों की मौत हो गई, और अब ये मंत्री जैकब चांडी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से संबंध रखने वाले डॉक्टर आर्यन के डेड बॉडी को मीडिया के सामने लेकर आएगा, जिससे ये साबित होगा कि कोर्ट की सुनवाई गलत थी और मंत्री जैकब पर लगे इल्जाम गलत साबित होंगे, और फिर से मैं मंत्री बन जाऊंगा। वेरी वेल प्लेड जैकब सर, ब्रिलियंट। मान गया आपको। वैसे इस बात से तो मैं भी खुश हूं कि आपने चांडी सर के कातिल को आखिरकार पकड़ ही लिया। अब एक बात मेरी भी सुनिए, आपके पिताजी मिस्टर चांडी हार्ट अटैक से नहीं मरे थे, उनकी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट किया गया था, डॉक्टर आर्यन ने बड़ी क्रूरता से उन्हें मारा था। इसी ने आपके पिता को मारा है। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। सच्चाई यही है, इसी ने उन्हें मारा है। सर सर मैंने किसी को नहीं मारा है सर, सर मैं कसम खा के कह रहा हूं सर, मैंने चांडी सर को नहीं मारा है, मैंने नहीं मारा है। मैंने ही उसे मारा, तेरे बाप को मैंने मारा। Yeah.
फादर डोमिनिक है क्या? कोलकाता से आए हो? आर्यन को तुम ले जाकर डॉक्टर माधवन से मिलवा दो, मुझे रिकमेंडेशंस वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मेरे ऑफिस में है। वानी के सिस्टम में मैंने डॉक्टर वीके का प्रोग्राम चार्ट बदल दिया है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो मंत्री चांडी मेरे ही हाथ लगेगा। आज मिनिस्टर चांडी यहाँ चेकअप के लिए आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हैव अनदर सर्जरी। वानी ने डेट चार्ट में कुछ मिस्टेक कर दी, सो यू हैव टू मैनेज हिम फॉर अबाउट से 20 मिनट्स। तब तक तुम जाके इंजेक्शन लेके आओ। तारा अनु जल्दी आओ। हाँ डॉक्टर सलीम को बुलाओ। सर मिनिस्टर इज नो मोर। तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे होश उड़ गए। तुम मिस्टर जेकब जानना चाहोगे हमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें याद तो होगा ही, वैगा देवी नाम की एक जर्नलिस्ट थी। ये वैगा देवी के लिए। ये मेरी बहन कीर्तु के लिए। वो मेरी इकलौती बहन थी, अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है। तुम दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। से मिलने आए तो हम दोनों का एक ही लक्ष्य था, मेरी बहन के साथ अन्याय करने वालों के साथ किसी भी तरह का रहम ना बख्शा जाए। तुमने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक मासूम इंसान को मुजरिम बना दिया। जब एक औरत अपनी मान मर्यादा खोती है तो मीडिया के लोग उसकी इज्जत को बार बार उछालते हैं, उस औरत का समाज में जीना मुश्किल कर देते हैं। तभी हमने निर्णय लिया, हम तुम लोगों को खुद सजा देंगे। कीर्तु को मारने के बाद तुम लोगों ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, इसीलिए चांडी के मर्डर को हमने हार्ट अटैक का रूप दिया और कोई सबूत नहीं छोड़ा। पर आर्यन को फंसा के तुम खुद मंत्री बन गए। मुझे जैसे ही इस बारे में पता चला मैं फौरन यहां आ गया इस केस को संभालने। स्वामी शरणम अयप्पा, मैं डॉक्टर आर्यन के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। वैसे डॉक्टर आर्यन बहुत अच्छे इंसान थे। ये सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। आर्यन ने आपको जो बताया वो सच है, आर्यन ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं आर्यन को जल्दी ही बाहर निकालूंगी। एक एक करके विटनेस तैयार किए, यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी जेनी को भी विटनेस बनाया डॉक्टर आर्यन को बचाने के लिए। राजीव सर, Ah!
I'm Rajiv, police officer. Jacob sir ने मुझे ये कह के बुलाया कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा, he was dead. खूनी का पीछा किया पर वो भाग गया. वेलकम टू केरला कैडन मिस्टर राजीव. थैंक यू सर. मंत्री जैकब चांडे की मौत हमारे लिए चर्चा का विषय बन गई है. डीजीपी हम पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं और हकीकत ये है कि खूनी को तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता. यस सर, उसे सिर्फ मैं ही जानता. ऑल राइट, इसलिए जैकब चांडी मर्डर केस तुम्हें सौंपा जा रहा है. खूनी को तुरंत पकड़ना होगा. श्योर सर.